और भाई right, जी असल क्या हाल चाल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज का शो अच्छा होगा तो आज का शो बहुत अच्छा होगा उसका रीज़न सिर्फ एक है हर आदमी परेशान है कि नौकरी नहीं मिलती तो आज क्या ऐसी चीज़ें हैं हम कुछ ऐसा कर सकते सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आज मैं एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूं जो आपको यह बताएंगे कि हाँ जी नौकरी मिल सकती है नौकरी मिल भी नहीं सकती मिल कह सकती है आप खुद अपनी नौकरी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन खुदा का वास्ता यह आपसे अर्ज़ कर रहा हूं मैं बिकॉज मुझे यह पता है हम मेहनत करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी सारे हंस रहे हैं ना यहाँ पर जितना कैमरा मैन है इससे कोई मेहनत नहीं होती सुबह सुबह उठ के ना एक बॉल संभाल लेता है इसके पास एक बॉल है पता नहीं क्यों सो ये वाहिद बच्चा है जो सुबह सुबह उठ के ना क्रिकेट खेलने निकल जाता है अब नो इसको दिखाओ ना इसका चेहरा तो दिखाओ इसका चेहरा दिखाओ ताकि लोगों को पता चल सके और जब क्रिकेट खेल लेता है ये बच्चा तो फिर इसके बाद इसके दो मोबाइल हैं जिन पे बैठ के पता नहीं किन किन लोगों से बातें करता रहता है और बताता है आज मैंने इतने कैच पकड़े तीन तीन मोबाइल हैं <laughs> तीन मोबाइल <मुझें। laughs> अच्छा फिर मजे की बात ये कैमरा लगा के ना ये इसका स्टाइल है कैमरा लगा के ना ही हूँ हाँ जी और फिर तुम ठीक हो मैं भी ठीक हूँ नहीं जानू मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जान अच्छा फिर उसके बाद दूसरा मोबाइल उठाया जानू तुम कैसी ओ गलत मैसेज चला गया

बीस हजार या बीस लाख ये आप पे है कि आपने कितना पैसा बनाना है ये सारा का सारा आज हम बताएंगे उसके बाद हम बात करेंगे जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और खुदा का वास्ता मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं मैं आई हैव गॉन थ्रू विद माई पेरेंट्स इवन माई सेल्फ आई एम अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर यस आई एम हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे और डायबिटीज़ की बात करेंगे ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं तो आज का शो बहुत भरा हुआ शो है साथ साथ मैं आपको लाइफ का एक हैक सिखाऊंगा यानी हम बात कर रहे हैं नौकरियों की आप बीस हज़ार से बीस लाख रुपए तक बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं ये हम उनसे पूछेंगे शायद इसे ज़्यादा भी बना लें बीस करोड़ भी बना लें मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तीस करोड़ रुपये महाना बनाऊँ जिसके अंदर मतलब मुझे पता हो कि मुझे करना क्या है तीस करोड़ रुपए में आई थिंक मेरा अस्पताल चल जाएगा इन शाह तला और वो मैं बनाना चाहता हूँ मैं बनाऊँगा लेकिन आप भी आप भी ये पैसे बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन सुनना पड़ेगा पेशेंस ये जो आप इधर उधर जाके अब आपने यहाँ पर रहना है अच्छा आप हम आपको हमारा फेसबुक भी फॉलो करना है आपको हमारे जो यूट्यूब है उसको भी फॉलो करना है आपको हमारे जो टोटके हैं वो भी हैक्स जो हैं वो भी फॉलो करना है आज ही के शो में मैं आपको एक हैक बताऊँगा उन तमाम लोगों के लिए जिनकी उम्रें पैंतीस साल से ज्यादा हो चुकी हैं और वो ये फील करते हैं या करती हैं कि उनकी स्किन जो है वो नीचे की जानेब जा रही है लटक रही है आज मैं उनको एक हैक बताऊंगा जिससे उनकी स्किन चार घंटे के लिए फोर आवर्स के लिए चार घंटे के लिए बिल्कुल पीछे चली जाएगी ये हैक मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये जिंदगी की छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं किचन के अंदर आपके मौजूद होती हैं और इनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो आज का शो पूरा भरा हुआ है साथ साथ मैं लाइव कॉल्स के लिए खोल रहा हूँ नंबर दिखा दीजिएगा इनको लाइव कॉल्स के लिए तो लाइव कॉल आप हमें कर सकते हैं अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल कर लें अगर आप खुदा न करें आपके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उसमें कॉल कर लें आपका कोई और मसला है तो आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं साथ साथ हमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी आंखें खुली भी हों जो हमारे सेट पे अच्छी तरह से आके चीज़ों को कर सकें बिकॉज़ हम लोग जब यहाँ आते हैं सुबह सुबह एक तो खैर जाने दीजिए ये मीटिंग वाली बातें जो मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए तो मैं यहाँ नहीं कर रहा बट कहने की बात यह है कि यू नो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग ठीक है ऑल राइट right. आज <laughs> उवा भाई हस रहे उ सर नदी छोड़ो ऐसे ही करने ने कोई नहीं कभी ये नहीं सुधर सकते कभी भी नहीं सुधरेंगे नहीं anyway, नहीं बस सुधर जाएंगे कभी कभी यार तो ये सुधर जाएंगे हमारे एक दोस्त थे उनकी नई नई शादी हुई तो बड़े खुश थे तो हमारे वो दोस्त जिनकी पंद्रह बीस साल पुरानी शादी थी तो वो कहने लगे कि भाई कैसी गुजर रही है बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास वेरी फाइन तो उन्होंने कहा कि बस कुछ दिन इंतजार करें फिर आपको दर्द भी नहीं होगा कहले क्या मतलब दर्द नहीं होगा कहें दो स्टेजेस होती हैं एक स्टेज में दर्द बहुत ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा होता है इतना ज़्यादा होता है कहने के फिर फिर क्या होता है दूसरी स्टेज कौन सी होती है कहने फिर आप आदि हो जाते हैं तो दैट्स वॉट इट इज़ तो आप दर्द के आधे हो जाते हैं तो हम भी दर्द के आदि हो गए जैसे ना हर नई हुकूमत जब आती है और मज़े की बात कल मैं ना कुछ सियासतदानों के बयान सुन रहा था कसम खुदा के हंसस के पागल हो गया लिटरली में गिरी नीचे ये क्या है पाकिस्तान अच्छा करेंगे अगर ये अच्छा करेंगे तो ख़राब किसने किया है मतलब इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं खड़े होके इतने बड़े बड़े झूठ एंड रुकते, रुकते भी नहीं है रुकते भी नहीं है अच्छा मज़े की बात ये इनकी अपनी किताब है ये वो सारी बातें करते हैं जो इनके लिए सच होती हैं जो दूसरे का सच है वो नहीं आप मैं कसम खा के कहता हूँ हमारे जितने पोलिटिकल टॉक शो एंकर्स हैं वो ना घर जाके या तो कभी बड़े हंसते होंगे या बेचारे स्टूडियोज के अंदर अपनी हंसी छुपाते होंगे या कभी ना किसी कोने में सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि कौन लोग हैं जो है कोई कहीं टिकता ही नहीं है किसी जगह टिकता ही नहीं है तो कभी कभी मैं बड़ा 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 फील करता हूँ एनी वे आज एक वैसे भी दिन बहुत बड़ा है और मैं हमेशा उनका फ़ैन रहा हूँ मेरा कभी जारी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं रहा लेकिन मैंने अटमोस्ट रिस्पेक्ट की है मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की ऑनस्टली आई ट्रूली एडमायर हर आई लवड हर शी वॉज अ ग्रेट लीडर नाट नॉट ओनली शी वॉज अ ग्रेट लीडर शी वज़ अ ग्रेट ह्यूमन बींग मैं उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऑफ द रेकर्ड जानता हूँ लिहाजा मैं उसको यहाँ नहीं करूँगा uh, लोगों के थ्रू में जानता हूँ जो uh, बीबी शहीद में थी एंड इट वॉज एस ब्यूटिफुल इट वॉज एस गुड टू नो एी वॉज अ वूमे बी शी वॉज अ लीडर एंड मेरे ख्याल में uh, बहुत अफेक्टिव हो सकती थी अगर वो सब कुछ ना होता जो हुआ Uh, आज उनकी सोलहवीं बरसी जो है वो लड़काना में गड़ी खुदाब्श में मना मनाई जा रही है एंड uh, आज भी उनको देख के मुस्कुराहट भी आती है और साथ दिल में तकलीफ़ भी होती है होती है मैंने उनके दो लेक्चर्स अटेंड किए थे यूएस में और uh, मुझे याद है द वे स्पोक तो आपका सर वैसे सर से फ़खर से बुलंद हो जाता है एक मरतबा उन्हें मैंने ऐसे देखा था जब उनका आंट्रास्ट जा रहा था तो मैंने उन्हें एक मरतबा देखा है और बाकी जो बातें उन्होंने हमेशा की हैं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है हर जगह हर स्टेज पे वो बहुत बड़ी बात थी वो बहुत बड़ी बात है शी वॉज अ ब्रेव सोल एन एक्सट्रीमली ब्रेव सोल उन्हें कभी इस बात का ख़तरा नहीं रहा कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है या क्या हो सकता है uh, मैं उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो सीना बसीना लोगों से ट्रांसफ़र होती हैं और बड़ी मुस्ंद रिसोर्स जो होते हैं वो बताते हैं मैंने उनसे सुनी हैं तो मैं उनकी न सिर्फ तज़ीम करता हूँ बल्कि उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ एज ए ह्यूमन शी वज़ जस्ट अमेजिंग और जो एक डिसेंसी होनी चाहिए इंसान में जो एक पोलिटिकल डिसेंसी होनी चाहिए जो यू uh, नो you know, uh, एक वक़ार होना चाहिए पॉलिटिक्स uh, करने का वो मोहतरमा में था मोहतरमा के ख़िलाफ़ क्या नहीं कहा गया लेकिन uh, जो उनकी अखलाकियात हैं उसको उनके दुश्मनों ने भी माना अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में दुश्मन होने चाहिए पॉलिटिक्स में व्यू पॉइंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनके उनके उनकेत को उनके दुश्मनों ने भी माना उनके दोस्तों उनकी तारीफ़ करते थे इन डीड शी इज़ अ ग्रेट लॉस एंड शिल बी मिस्ड थ्रू आउट पाकिस्तान के जब जब पोलिटिकल टर्मोल्स आएंगे आप यकीन जानिए अक्सर अवत मुझे ऐसा लगता है कि जब असम्बली को मैं देखता हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं बस बेनज़ीर नहीं होते तो मुझे बहुत तकलीफ होती है दुख होती है शी ट्रूली वॉज द प्रिंसेस ऑफ एफ आर पॉलिटिक्स एंड एंड आई थिंक मैं आज भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता दैट इज़ कॉन मुझे याद है 27 दिसंबर का वो दिन मैं यूएस में था मैं पाकिस्तान में नहीं था एंड देन इमीडिएटली ये खबर चलना शुरू हुई दैट uh, उन पर हमला हुआ है एंड कुछ देर के बाद शी इज़ नो मोर दुनिया का कोई ऐसा मीडिया नहीं था जो उनको कवर नहीं कर रहा था इससे जाहिर होता है कि उनका क्लाउड जो था वो कितना ज़्यादा था इससे जाहिर होता है कि उनको मानने वाले जो थे वो कितने थे पाकिस्तान से तो उनमें पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग उनसे मोहब्बत करते थे लेकिन इंटरनेशनल दुनिया में उनको न सिर्फ लोग मानते थे बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे बहुत मोहब्बत रखते थे शी हैड अ वॉइस शी हैड अ क्लाउड शी कुड से थिंग्स शी कुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड आई रियली मिस सर आई रियली मिस सर बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ जो डिसेंसी जो इखलाकियात मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था वो मैंने पॉलिटिक्स में बहुत कम देखा है बहुत कम देखा मैं यहाँ वाक़ात कोट कर सकता हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा तो आई एम नॉट कोटिंग दोस्ट लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर कोई कारी जरब भी आप पे हो तो आप उस जगह नहीं जाते यू राइज अबव एंड दिस इज वॉट मोहतर मॉन्टेड आपके पास अगर कोई ऐसी चीज आ भी गई तो आपने कहा नहीं ये नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता आप और ख़ास पर वन इट केम टू वेमेन वेमेन एम्पामेंट आई थिंक उनका बेतहाशक काम है आई होप एंड प्रे जब भी कभी मैं हमारे मुल्क की जितनी भी खवातन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए सफ़र आसान नहीं होता वेदर आप बेनजीर भुट्टो हों या आप मरीम नवाज़ हों या आप कोई और हों आपके लिए सफ़र आसान नहीं है एंड आई होप एंड प्रे कि हम एज़ अ सोसाइटी उस जगह पहुँच जाएँ जहाँ हम मर्द औरतों और को ख्वातिन को इक्वली ट्रीट करने लगे वे आर नाट देर यट वे आर नाट देर नो मैटर वाट हैपन्र नाट देर यट अभी नहीं है अभी नहीं है मुझे बिलावल की एक बात बड़ी अच्छी लगी थी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बड़े जो हैं उनकी पॉलिटिक्स को हम फॉलो करके एक ऐसी जगह पहुँच जाएँ जहाँ हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए कुछ इसी तरह की उन्होंने बात कही थी तो मैं चाहता हूं कि चीज़ें आसान हों आई होप कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हमें एक ऐसी गवर्नमेंट बना सकें कोई भी आए चाहे वो नवाज शरीफ साहब आए चाहे वो न you know, कोई और आए हम एक ऐसी पीपल्स पार्टी है हमें एक ऐसी गवर्न बना सकें जो पाँच साल के लिए चले और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करें मैं आपको सच बताऊं एक विज़न है मेरा हम सबको हम सबको आसानियाँ हों जिंदगी में सेहत के मामला बेहतर हों सिक्योरिटी के मामला बेहतर हों रोज़गार के मामला बेहतर हों रहने को छत मिल जाए खाने को दो वक्त की रोटी मिल जाए आई थिंक पाकिस्तानी बहुत खुश है जब कुछ नहीं है 18, 18, बारह बारह बीस 20 घंटे की लोड शेडिंग है तब भी दिल में पाकिस्तान है इसके अलावा कुछ नहीं है तो आज यू नो you know, मैं ये जो सोलहवीं बरसी है बेनर भुट्टो साहबा की उसको याद करते हुए आपसे ये कहता हूँ शहीद की लग ज़िंदा रहती है मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कभी नहीं रहा लेकिन मेरी मोहब्बत मेरी इज्जत मेरी तक्रीम का रिश्ता मेरा ग्रैटिट्यूड और आ, जो उनकी डिसेंसी के लिए आ, मेरे दिल में जगह है पोलिटिकल डिसेंसी के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो कभी कम नहीं हो सकती मोहतरमा शहीद बे भुट्टो साहबा हमेशा बहुत अच्छी थी एक टेलीफोन कॉल कॉलि हूँ दिस इज इज़न सामकुम जी सर। कैसे हैं सर आप अलहमदल सर मैं मोहम्मद असलम ऑफ ऑफ्ठा कैसे हैं सर आप ठीक हैं जी जी सर मैं ये कहना चाहूंगी मोहतरमा जैसी अजीम लीडर इस दुनिया में पैदा हुई है ना होगी वो एक बहुत बड़ी दलेर औरत थी मेरी तरफ से उनको सुरु सलाम थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया आप अगर मोहतरमा को अपनी अकीदत पेश करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपका है या आप जो फील करते हैं आप कह सकते हैं एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात शुरू हो गई है काम की काम 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 और सिर्फ काम क्या हम आपको नौकरियां दे सकते हैं नहीं लेकिन क्या हम आपके लिए नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं यस क्या आपको खुद नौकरी मिल सकती है यस क्या आप बीस हजार से बीस लाख से बीस करोड़ तक तो बना सकते हैं यस बना सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रोग्राम देखते रहिए ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद और आई जी इसलिक एंड वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज जो शख्सियत हमारे साथ होगी जो मेहमान मेरे साथ होंगे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है और और बहुत डिफरेंट काम करते हैं अच्छा अब ये आप पे मुनसर है कि आप उसको कैसे लेते हैं मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ तलीम और रोज़गार है क्या अच्छा हो कि अगर आ, बात मत कीजिएगा प्लीज़ अगर तालीम और रोज़गार को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो रिहान ने यही किया इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है एनी वन हु नोज़ पाकिस्तान दे दे वुड नो रिहान अल्लाह वाला अल्लाम जी कैसे हैं आप बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रिहान अच्छा मुझे बताएं सबसे पहले तो मैं ये एक स्टिकर उठा रहा हूँ इसके पीछे इसके सामने लिखा है अब मैरी तलीम सबके लिए रेहान स्कूल डॉट कॉम ये देख लीजिए इसको दिखा दीजिएगा ज़रा दिखा सकते हैं? यू कैन हाँ, हाँ। अब मेरी तालीम सब के लिए rihanschool.com पर। ये क्या है? सर ये तकरीबन 2011 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था जब स्टूपिड फोन होता था। स्मार्टफोन फोन आया। हाँ हाँ। स्टुपिड फोन होता था। स्मार्ट, हाँ. तो होता था? <laughs> स्मार्ट का ऑपोजिट <laughs> तो स्टुपिड ही होगा। ठीक है। तो हमने वीडियोस बेस्ड एजुकेशन शुरू करी फातमा सूर्या की वीडियोज़ एम शेखी की वीडियोस बहुत सारे एक्टर्स जो हमें मिलते गए मोमो की वीडियोस वीडियो उसके ऊपर कि हम बेसिक लिटरेसी तो सीख लें ठीक है फिर वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका मेरा पी फेल होने में मेरे डेढ़ प्रोजेक्ट फेल हैं है oh, wow. तो आ, आपके प्रोजेक्ट फेल, फेल है तो मुझे करते हुए डर नहीं लगता क्योंकि अभी एडिशन को नौ सौ निन्यानवे दफ़ा करना पड़े तो मुझे शायद अभी आठ सौ और तो आ, अब मैंने दो साल पहले एक फाइनल एक फ़िज़िकल स्कूल लिया है और उसको ट्रांसफॉर्म किया है एआई आई स्कूल में ओके okay. जिसके अंदर आ, रेगुलर तालीम नहीं होती हम इतने सारे लोग पैदा कर रहे हैं लेकिन हम हमारे पास मलालाज नहीं है हमारे पास ईदी साहब नहीं है हमारे पास नेक्स्ट जिना नहीं है uh. सो हमारे स्कूल में हम क्या करते हैं कि जो आदमी पच्चीस साल के बाद डिसाइड करता है मेरी ज़िंदगी का मैंने करना क्या है हम उसको आठ साल में लगा देते हैं हम हर बच्चे को एक वाला दे देते हैं okay. कि अब मिसाल के तौर पे कश्मीर का मसला पचहत्तर साल से हल नहीं, नहीं हुआ।, हुआ एक आदमी का नाम बताएं पूरी दुनिया में जो कहता हूँ मैंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी है जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ कोई है मेरे तो नहीं मेरे भी जहन में नहीं एक आदमी का नाम बताइए जो क्या मैं जब तक जिंदा हूँ पानी का मसले पर काम करता रहूँगा

नोट पैड हाँ। होता है कलम देते हैं लेकिन है। ज्यादातर बच्चों के पास मोबाइल है उसी में आजकल लेते हैं तो हर बच्चे को पहले आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है रोज हाँ। उसने एक टेटॉक देखनी होती है टेटॉक हाँ। एक वेबसाइट है पे हाँ। हाँ। दुनिया के बेस्ट देखनी ही होती है देखनी ही होती है इसमें इसमें और कोई दो राय नहीं है दो राय नहीं है हर रोज एक देखनी होती है जजाकला और देखने के बाद उसी टेटॉक को अपने अल्फाज में दोबारा बयान करना होता है रिकॉर्डिंग हमारे स्टूडियो तरह के बने हुए तीन Okay. रिकॉर्ड होती, <laughs> <ये कमाल है। laughs> हाँ। होती है और उस आदमी को टैग करना होता है जिसने ओरिजिनल वीडियो बनाई थी okay. उसके बाद उसको कहता हैं सर जायसा मैंने आपकी टेकटॉक देखी थी मैंने आपसे पानी के बारे में आज ये सीखा मुझे आपसे आधा घंटे का वन ऑन वन इंटरव्यू करना है आर्ट से डायरेक्ट उस बच्चे पर डायरेक्ट करता है okay. जी मुझे आपसे आपसे ये मैंने आप सीख लिया है। अब साल में 250 सौ दफा वही काम करता है wow. हर रोज वो एक पानी के ऊपर प्रॉब्लम की वीडियो देखेगा हाँ. उसकी अपनी बनाएगा। हाँ. उस आदमी को कांटेक्ट करेगा जिसने वो वीडियो बनाई थी हाँ. और उसका इंटरव्यू करेगा

सर मुझे आपका शो मैं देख रहा हूँ मुझे आपका शो बहुत 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 अच्छा लगता है आप भी बहुत अच्छे इंसान है yeah. लेकिन मुझे आपसे ये तो पूछना था कि ये जो आप ए के जरिए जॉब के लिए कह देते तो मैं दो साल से तकरीबन बेरोजगार हूँ okay. तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा जो मेरे को रोजगार मिल जाए ओके यू टेक पूछेंगे इनसे आप कोई सवाल करना चाहते हैं uh, जवाब डायरेक्ट दे देते हैं जवाब डायरेक्ट ओके ओके आप आपका नाम क्या बेटा करीम्दुलकरीम आप करीम आप फोन रखिए और सुनिएगा जवाब, जवाब जी अब्दुल करीम नॉर्मली हमें जॉब लेने के लिए तरीका ये होता है कि हम किसी खालिद इमरान फुरकान को कांटेक्ट करते हैं जो हाँ। हमें जानता है दस साल से पांच साल से या किसी अबू के दोस्त को कहते हैं या फुपा के दोस्त को कहते हैं कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो है, कहीं नौकरी लगवा दें क्योंकि जितनी भी ट्रेनिंग लेकर आप बाजार में आते हैं उसके बाद आपको फिर दोबारा या तो भुलाना पड़ता है जो कुछ आप सीख के आए हैं और फिर दोबारा नए सिरे से सीखना पड़ता है कि जो एक्चुअली जॉब की डिमांड होती है हाँ। तो उसको पहले इंटर्नशिप करनी पड़ती है अब इंटर्नशिप पाकिस्तान में अगर उसको अपने हिस्से की नहीं मिल रही तो मेरी सजेशन है जिस भी स्पेस में उसको इंटर्नशिप पाकिस्तान में मिल रही वो, तो वो कर ले दूसरा ये कर ले लेकिन डॉट कॉम पर जाए हायरिंग डॉट कैफे पे जाए वहां जाकर इंटर्नशिप ढूंढे पाकिस्तान से बाहर इंटर्नशिप ढूंढे अच्छा पाकिस्तान से बाहर इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर जाना है आप आप तो भी कर सकते हैं रिमोट इंटर्नशिप रिमोट इंटर्नशिप की पर कैपिटल इनकम है एक हजार डॉलर अंगापुर की है हजार हाँ. है 112, दुनिया का एवरेज है दस हजार डॉलर साल हम दुनिया के एवरेज से भी पीछे हैं। हम दुनिया के एवरेज से दस गुना पीछे हैं सिंगापुर से पचपन गुना पीछे हैं। तो से है लक्समबर्ग एक सौ बारह गुना पीछे अमेरिका से पैंतालीस गुना पीछे एक एक टेलीफोन कॉलर जी जीड मॉर्निंग हां मॉर्निंग आया कैसे हैं आप हां भाई कल का शुक्रिया था पहले तो आपके मेहमान को सलाम कर लेकिन हर बात तो भाई आई वांट टू थैंक यू फॉर मेंशनिंग लेनोवी सो मैं कुछ अल्फाज उनके लिए कहना चाहूंगा लेनोवी के लिए यू कैन इंप्रेस अ मैन नॉट एन आइडिया यू कैन एक्साइट अ मैन नॉट एन आईडिया सेक्सुअल अंटक बाकी बाकी वो तो बाकी बात कर सकते हैं जो कहते हैं लगता

वो दरअसल बदकस्मती से ये होता है कि वो जो अपने एडवाइज़र्स हैं ना वो बड़े बहुत सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द होते हैं ना वो ठीक नहीं होते ये दुनिया के किसी भी बड़े ग्रेट लीडर के साथ हमेशा जो आयरनी रही है पाकिस्तान जैसे ममालिक में वो यही रही है कि उनकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो उनको एक ऐसी जगह जाके ला खड़ा करती है जहाँ वो एक बंद गली में दाखिल हो जाते हैं मैं आ, फर्स्ट हैंड इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने मोहतरमा के दो लेक्चर्स अटेंड किए थे क्या वो बात किया करती थी क्या वो ओरिएट करती थी क्या वो किस तरह से बोलती थीं क्या उनके व्यूज़ थे क्या आइडियाज़ थे कहाँ वो पाकिस्तान को डिफेंड करती थीं और कैसे डिफेंड करती थी शी वॉज फिर नॉमिनल फिर नॉमिनल दो नेवर वॉज अ पार्ट ऑफ एंड आई स्टिल एम नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बट आई हैव मोस्ट रिस्पेक्ट फॉर बेनजी भुट्टो साहब शहीद वो तो देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट रेहान के लिए आपके पास कोई सवाल है बिकॉज रेहान आज हमें जॉब क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है एंड तालीम के साथ साथ रिहान भाई जाहिर बात है हर आदमी इससे घबरा भी रहा है और इसको लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि इतनी जॉबे खा जाएगी लेकिन मेरा कहना ये है कि क्योंकि अब हमें एंटर यूज होना है तो हम इसको कैसे लोग करेंगे और हम इसको यूजफुल बेनिफिशियल किस तरह बनाएंगे एक और एक और आखिरी मेरी बात आपसे करनी है भाई वो ये कि हर बंदा मायूस है ठीक है वो मायूसी के चक्कर में बाहर जाने के चक्कर में बाहर जाने के चक्कर में वो काम भी कुछ नहीं कर रहा कि भाई यहाँ कुछ करो तो अपनी तो स्टार्ट तो, तो, तो करो कुछ वो इस चक्कर में इतने मेंंफ्यूज लोगों उनको कर दिया है कि वो इससे बिल्कुल मायूस मैं चाहता हूँ कि आप एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एज ए आप जिस काम कर रहे हैं आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि यार अपनी दुनिया आप पैदा कर काम कर काम कर काम कर right. सर अपनी दुनिया आप जब पैदा होती है कि जब आप ऐसे लोगों में बैठते हैं जो अपनी दुनिया पैदा कराना चाहते हैं जब आप सुबह से शाम तक डिप्रेस लोगों में बैठेंगे तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेस डिप्रेस अगर आप उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ बैठेंगे तो उर्दू बोलेंगे पंजाबी में बैठेंगे पंजाबी बोलेंगे जापानियों में बैठना शुरू कर दीजिए अमरीकन में बैठना शुरू कर दीजिए फिजिकली नहीं बैठ सकते तो ऑनलाइन बैठना शुरू कर दीजिए ब्रेक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं हमारे एक दोस्त है अभी एलियन पता नहीं कौन सा उसका वर्जन ये नहीं आई थिंक कौन सी थी वो एक एक फिल्म थी जिसके अंदर वुल स्मिथ था और वो इंडिपेंडेंस डे या पता नहीं कुछ ऐसा ना हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो बद्र क्राम ने कहा कि हॉलीवुड ने डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने बार कहाँ रखनी है वो एलियन्वेश इन्वेशन, इन्वेशन करवाते हैं अपनी फिल्मों में फिर अमेरिका की मदद से अमेरिका की तरफ से एलियंस को मारते भी ये उनका बार है ये उनका माइंडसेट है हमारा माइंडसेट तब्दील होना है हमारा माइंडसेट क्या है किसी पाकिस्तानी से पूछ लो वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलेगा हम क्या कर सकते हैं जब कौमें यह कहना शुरू कर देना कि हम क्या कर सकते हैं बस वहां से समझो प्रॉब्लम शुरू होगी ब्रेक 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 लेते हैं ब्रेक के के बाद अभी अभी ब्रेक के दौरान पता चला तेरह साल की उम्र में पहली कंपनी बनाई थी, हाँ? थी इंटरनेट नहीं <laughs> था कम्प्यूटर कॉम्प्यूटर सिक्सटी फोर होता था आई I mean, <laughs> तो उसके गेम्स का मैं बादशाह होता था, था जमाने में कुछ अंधों में ही पर राजे होते हैं So, उसके बाद फिर आ, बहुत सारे काम किए बहुत सारे काम किए मैंने yeah. कहा ना पी एच डी है लेकिन लर्न बहुत ज्यादा होता है अच्छा so to, एक आम नौजवान जिसको माश का मसला है। यार वो कैसे हल्क होगा वो क्या करे जिससे पूछो वो फराज ने कहा था जिसको देखो वही जंजीर पप्पा लगता है शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना तो वो उसका मसला कैसे हल होगा वो जिसकी बहुत कैसे बताएं हमारे सारों आप टॉम और दरमियान में बैठना शुरू करेंगे आपका माइंड सेट बेनजीर से निकल के इमरान खान से निकल के नवाज शरीफ से निकल के ग्लोबल हो जाएगा ठीक है हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं टू पॉइंट सेवन परसेंट था दुनिया का पाकिस्तान बाहर रहते हैं हम किसी को जानते नहीं हम नौकरी कैसे ढूंढते हैं मैं जैसे बता रहा था नौकरी बगैर रेफरेंस के कहीं भी नहीं मिलती आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है क्योंकि हर जगह सैचुरेशन है कोई भी दुनिया की यूनिवर्सिटी ऐसा इंसान तैयार नहीं करती जो निकलती कहीं फिट हो जाए उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है तो वो इंटर्नशिप फॉरन ढूंढना शुरू कर दे सिंगापुर में ढूंढे यूरोप में ढूंढे कोई भी नौकरी कर ले ऑनलाइन सौ डॉलर से पांच सौ डॉलर मेरा सवाल यह है कि वो लोग जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सेवी नहीं है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम हैं। उनकी बात कर रहे हैं जैसे कि एक भाई ने कहा मैं एआई के अंदर हूँ और मेरे मैं पढ़ा लिखा हूँ वो तो शुरू हो जाए सबसे पहले तो वो शुरू हो जाए ठीक है दूसरे नंबर पे जो लोगों को काम नहीं मिल रहा वो माइक्रो फैक्ट्रीज लगा लें हाँ पाकिस्तान में तीन अरब रुपये अप्रोक्सीमेटली की जिंजर इम्पोर्ट हो रही है यानी हमें शर्म नहीं आती कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है और तीन अरब रुपये की हम जिंजर इम्पोर्ट कर रहे हैं अदरक मंगा रहे हैं अदरक बाहर से मंगा रहे हैं गार्लिक बाहर से मंगा रहे हैं कोई शर्म का मकाम नहीं है तो जब तक आपको ये जो शर्म आ रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता मैं ये नहीं काम कर सकता तो फिर आप कुछ ना करें बैठे रहें हाँ। जाके जो है हम अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हाँ मोहब्बत के साथ काम करें कल मैंने इतफाक़ से खलील खलीजरान का एक कोटेशन पढ़ा कि या तो मोहब्बत से काम करो या किसी मज़ार के बाहर जाके बैठ जाओ जो मोहब्बत से काम करके तुम्हें खाना तो खिला रहा है कम से कम मोहब्बत से काम करो जिस चीज में मोहब्बत से काम करोगे वो अट्ठारह घंटे करोगे जो काम अट्ठारह घंटे करोगे उसमें अच्छे हो जाओगे अच्छे की हमेशा वैल्यू वैल्यू होती है चाहे वो चाय वाला हो चाहे पराठे वाला हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर ये हमेशा मैं अपने रेडियो शोज पे कहता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं बी Best started, that's it. अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट जो है वो, वो दे दो। जब तुम वो दे दो तो तुम इिप्लेसिबल हो जाते वैसे तो irre, 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 कोई चीज़ नहीं होती लेकिन इसके बावजूद भी एज लॉन्ग एज यूंगीड एक टेलीफोन कॉल ऑनलाइन हेलोम वाले मेरा नाम, नाम? Uh, नाम आरिक था आरिफ कैसे बात कर रहा कैसे हैं आप ठीक हैं हेलो आरिफ ठीक है सर भाई जी कई जॉब की प्रॉब्लम है काफी Right. क्या समझ नहीं आते कैसे बोलना अच्छा, अच्छा 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 थोड़ा सा अपने इसका वॉल्यूम जो है टीवी का वो कम कर दीजिएगा मुझे बताइए आपकी तालीम कितनी है मैं इंटर आपने किया हुआ है मिडल आठवीं क्लास अच्छा ये मुझे बताइए सोशल मीडिया पे जाते हैं फेसबुक का कोई अकाउंट है कोई इस तरह की कोई चीज करते हैं फेसबुक का अकाउंट बना हुआ बना हुआ है है ने बनाया अच्छा अच्छा ये बताइए बेगम बेगम क्या करती हैं आपकी वो बस वो बताइए अच्छा रहती है। खाना खाना बनाती हैं बेगम घर के काम का सब करती है। नहीं नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ खाना बनाती है खाना बनाना आता है उनको जी जी, खाना बनाना आता है कैसा बनाती है अच्छा बनाती है तो जब आपके घर में दावत कोई होती है दूसरे लोग आते हैं तारीफ करते हैं जी जी. करते हैं ना तो बहुत सारी एप्स ऐसी हैं एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां जाके आप अपनी बेगम के साथ एनरोल हो जाएं और एक शुरू करें बहुत छोटे से लेकिन शुरू जरूर करें देखिए कारोबार में बरकत होती है मैं अब को दूंगा ताकि रेहान आपसे बात कर सके लेकिन मेरी राय ये होगी कि जो काम आपकी आपकी अवेलेबल उसमें में आता है और जो थोड़ा सा कैश को कम कंज्यूम करेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा देगा आपको वहां से शुरू करना चाहिए लेकिन जब तक सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा रेहान बात कर लीजिए मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल करें देखें प्यारे भाई आप मुझे फेसबुक पर जाके रिहान वाला मेरा नाम है ब्लू साइन लगा हुआ है ग्यारह मिलियन फॉलोअर हैं किसी वक्त भी क्लिक कीजिए मैं हर सुबह से लेकर रात तक लोगों के जवाब देता हूँ पर्सनली मेरा नंबर है ज़ीरो थ्री जीरो फाइव एट 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 सेवन थ्री डबल एट खुद जवाब देता हूँ अगर आप तारुफ के साथ बोलिए ये नंबर लिख लीजिए और रेहान का नंबर चला दीजिए पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन की बात हो रही है तो आप इनको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं नंबर बोलिए जीरो थ्री जीरो फाइव एट 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 सेवन थ्री एट एट ठीक है ये नंबर जीरो फाइव एट 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 सेवन थ्री एट 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 तीसरा नंबर पे है रेहान डॉट कॉम वहां पे एक सौ कोर्सेस पढ़े हुए मुफ्त में हुँ. जाएं और जाकर सीख लें कुछ तीसरा काम ये करें कि मैं एक हज़ार रुपए लेके लैपटॉप देता हूँ कितने रुपए लेके एक हज़ार रुपए दे दें लैपटॉप से लैपटॉप ले जाए हमारे पास आए लैपटॉप चलाना सीखें काम चलाना सीखें और ऑनलाइन आमदनी हासिल करना सीख लें कराची में हमारे दो सेंटर्स हैं जहाँ पर हम सिखाते हैं एक हज़ार रुपये महीना चार्ज अच्छा ये गुजरा वाला में ये गुजरावाला में हो कहीं भी हो यूट्यूब हर जगह चलता है जिस तरह से जिस तरह से आपको देख रहे हैं इस तरह से अब यूट्यूब हर जगह आ गया पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है जहाँ इंटरनेट चलता है बिल्कुल ठीक है और बारह हज़ार रुपये का लैपटॉप आता है महंगा नहीं आता अगर बाली बेच के भी ले सकते हैं आप कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको कंप्यूटर का काम नहीं करना आपके पहले गैस ले चुके हैं शाहिद जोया उनके पास चले जाएँ छः महीने उनके पास जाकर रहें खाना पीना रहना फ्री है जाके रहें काम सीखें काम सीखने के बाद वो आपके ऊपर पैसे लगा आपको के आपको अपना पार्टनर बना के फैक्ट्री शुरू करा देगा यार इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस किस में पड़ी हुई है कि हर हर चीज़ टूटी हुई है हर चीज़ को ठीक करने वाले इंसान चाहिए आप से परेशान बैठे हुए क्यों परेशान बैठे हुए हैं कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको परेशान करें खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के दोस्त बदल लें थोड़े से दूसरे फर्क जाके दूसरा शहर में चले जाएं थोड़े दिन किसी और जगह जाके रह जाएं माइंडसेट ख़ुद ही शिफ्ट होगा जिन लोगों में आप बैठे हुए हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है उनको छोड़ दें छः महीने के लिए हिजरत करें कहीं जा कर बैठें बेगम को जैसे चिल्ले पर जाते हैं ना उसी तरह से आप बिजनेस जा के चिल्ले पर चले जाएँ जाके शाहिद जो है के पास जाएँ तो उसके किसी उसके ग्यारह ऑफिस हैं किसी भी ऑफिस में जा रह जाएँ छः महीने लगाएंगे एक डिफरेंट इंसान बन के आप पाएंगे आपके पास हुनर भी होगा पैसे भी होंगे फैक्ट्री भी होगी क्यों इंतज़ार कर रहे हैं खुद से कुछ नहीं होगा आपको खुद कुछ करना पड़ेगा दैट्स ब्रिलियंट <coughs> आप यहाँ कब तक हैं मैं चार दिन और हूँ लाहौर चार दिन और हैं फर्स्ट को आप होंगे आई डोंट लिव अ प्लान लाइफ एनी मोर अच्छा यू डोंट लिव अ प्लान लाइफ बस चार दिन से मुराद तो ये फर्स्ट तक तो होंगे ना जी बिकॉज <coughs> आज वो भी डॉक्टर का हुक्म है इसलिए यही हूँ पॉइंट सेवन अच्छा डॉक्टर का हुक्म है हाँ तो इफ़ यू आर देन आई रिक्वेस्ट यू टू कम अगेन एंड बहुत वैसे तब आपसे बात रहेगी हम स्का भी ले सकते हैं सबसे आसानी ये है लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं हुई हैं और वो रह गई हैं बट आईम आउट ऑफ टाइम इन शाह तेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर पहला शो हाल का आपके साथ कर लें तो उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं जहाँ डॉक्टर अगर आपको एक क्या ना थर्टी फर्स्ट को जाना आज ट्वेंटी सेवन्थ है तो हम आपको डॉक्टर बना लेंगे मुझे बना लीजिएगा बना लीजिएगा जी थैंक यू सो वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया सेट मैं बैठी बैठी रिहान अल <coughs> दोबारा से <इनकी coughs> वेबसाइट रेहान आपको बताएंगे नंबर आप डॉट कॉम रेहान डॉट कॉम डॉट कॉम सिंपल वेबसाइट है वहाँ जाके आप <coughs> जाएगी सौ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको आप फ्री सीख सकते हैं ये हज़ार रुपये के अंदर आपको लैपटॉप दे देते हैं फिर आपको स्टार्टअप में आपकी मदद करते हैं आपको गाइड कर सकते हैं अगर आप इनको कोई मैसेज छोड़ेंगे इनके नंबर पे इनको कॉल करेंगे तो ये पर्सनली आपको उसका जवाब देंगे तो अगर काम करना है तो फिर आपको इसी तरह से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा रिहान थैंक यू सो वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेक के जी मिलते हैं ब्रेक के बाद और राइट जी उन वेलकम बैक क्या हाल चाल सबसे बड़ा मसला जो है वो डायबिटीज़ का है और आपको पता ही है ब्लड प्रेशर का है ब्लड प्रेशर का तो मैं पेशेंट हूँ और जहाँ तक डायबिटीज़ की चक्कर है तो वो अभी तक महफूज हूँ मैं लेकिन ये दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं जो कंडीशन हैं और बहुत बुरी हैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं सबसे पहले डॉक्टर सायरा मुस्तसन अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक ठाक मैंने सही नाम लिया ना आपका जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब कैसी हैं ठीक हैं बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जेब जाहद साहब वालेकुम मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और डी एस एन जी के जरिए डॉक्टर वसीमुल्ला शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आवाज़ आ रही है सर आपको जी जी बिल्कुल। हम इस्लामाबाद से कहते हैं फिर शिकायत करता है कि आप लोग हमारी बात तो सुनते ही नहीं है तो वालों से कहते हैं कि इस्लामाबाद बात करे, थोड़ी सी पोलिटिकल हो बात प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए ये डायबिटीज की ब्लड प्रेशर की वजुहत क्या होती है देखें आ, ये डायबिटीज हो टाइप टू डायबिटीज हो हाइपर हो या कोलेस्ट्रॉल का खराब होना और हो, डिसलिपीडीमिया इसको हमारी जुबान में कहते हैं मेडिकल की जुबान में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना एच का कम होना या ट्रंकल ओबिसिटी जो सेंट्रल जो मिड सेक्शन पे फैट होता है फैट होता है आ. ये सब जो है ना वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जुमरे में आते हैं ये एक ही बीमारी के मुख्तलिफ नाम है ठीक है और इनकी रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि खून में इंसुलिन लेवल ज्यादा होना बाहर के बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिसर्च ने यह साबित किया है कि रूट कॉज एक है तो अगर कॉज एक है तो फिर ट्रीटमेंट भी एक है और इंसुलिन में इंसुलिन okay. लेवल्स का बड़ा प्यारा जुमला है कि हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे हैं अल्लाह hmm. hmm. ने हमें मुशक्कत के लिए पैदा किया था वर्जिश है कोई नहीं मिलावट ज्यादा खुराक है जो इलाज बिल गजा का कॉन्सेप्ट है वो लोगों के जहनों से निकल चुका है बेदरे खुराक का इस्तेमाल इसी तरह से स्लीप का कोई पैटर्न सेट नहीं है एक स्टडी हुई कि जिसमें देखा गया कि जो लोग स्लीप डिप्राइव रहते हैं उनको कुछ अरसे बाद डायबिटीज ज़्यादा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं इसी तरह से जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं ख्याल की वजह से होती है स्ट्रेस जो हमारा कॉटेस्टोल स्ट्रेस हार्मोन है अगर उसके लेवल खून में ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा रहेंगे तो वो भी डायबिटीज़ कॉस कर सकता है तो ये नहीं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्रोसेस्ड फूड स्लीप का पैटर्न सेट ना होना और स्ट्रेस तो ये मेन बड़ी वजूहत हैं डायबिटीज के इतने कॉमन होने की पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है और ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है और मैं एक बात अक्सर करता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून कल्ब है बाकी वहमो ख्याल है थुु। और डायबिटीज जितनी तेजी से आपको सेहत से महरूम कर देती है ये दीमक की तरह पूरे जिसम को खा जाती है तो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो उससे परेशान नहीं होना ये एक वेकअप कॉल है और ये आपको ये बताने के लिए आई है कि अपना रखना शुरू करें। जैसे का है, हमारे ऊपर हक है, तो इसका रखना इसको नहीं लेना। है कुरान की एक आयत है कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसके मुलिक तुमसे सवाल होगा तो ये वजूद भी अल्लाह की अमानत है तो इसके साथ तरीके से चलना है डॉक्टर बदलने के साथ खुद को भी बदलना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है जहां पे बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं डॉक्टर साहब क्या कहती हैं आप डॉक्टर साहब ने जो बताया जाहिर है वो तो कवर तो उन्होंने पूरी तौर पे कर लिया लेकिन डू यू थिंक हमारे बिहेवियर्स भी ऐसे हैं कि हम आ, एन में इसी तरफ जाते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्ट्रेसफुल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हम आम जुबान में शुगर कहते हैं हुँ. अब शुगर के नाम से यूँ लगता है जिस सिर्फ मीठे के अंदर ये है ऐसा नहीं है शुगर में का तमाम कारबोहाइड्रेट जितनी चीज़ें आपने सामने रखी है। ये है। नहीं नहीं, नहीं हैं। ये तमाम शुगर के जुमरे में आती हैं केक बिस्किट बेक हम रोज रखते हैं ये फिर उसके बाद जब कोई नहीं खाता तो वापस ले जाते हैं <laughs> देन अगले दिन हम वही ले आते हैं लेकिन दो वरी कल कल छुट्टी थी कल हम नहीं थे यहाँ पर तो इसलिए आज ताज़ी है बहुत खूब खूब है ताज़ा अच्छा। चीज़ें लेकिन ये तमाम ना ज्यादा या शुगर की वजह है वजुहत में से ये तमाम वजूहत शामिल बहुत शुक्रिया और हमारे ये ना आसान है अगर आपको यही तमाम चीज़ खुद बनानी पड़े जाकर काश्त करनी पड़े और उसको करना पड़े तो आप देखें कितनी एनर्जीज लगेंगी हाँ। अब हमारे लिए क्या लाइफ स्टाइल हो गया है कि जो भी चीज़ हो हम उसको ऑर्डर देते हैं और हमारे सामने एक प्लेट में पेश हो जाती है पाँच हो गए ना एक हम खाना खाते हैं डिनर हमारा नौ बजे हो जाता है, है फिर एक हम डिलीवरी से मंगवाते हैं तकरीबन बारह एक बजे फिर एक सुबह चार बजे अगर हम जाग रहे हैं तो सुबह है, चार बजे भी मील ही होता है वो है। और ये तमाम फ्रिक्वेंट जो के मरीज होते हैं हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं आपने पेट भर के नहीं खाना हाँ। आपने थोड़ा थोड़ा स्मॉल मील्स लेने हाँ। और शक्कर गुड़ ये समझ आता है कि ये ज्यादा समझ सकेंगे डॉक्टर साहब समझ सकेंगे इस्लामाबाद मैं जो कह रहा हूँ ना ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जब हमें मौका मिलता है ना खाने का हम एक साथ खाना चाहते है कौन थोड़ा थोड़ा करके खाए फिर पता नहीं बारी आए ना तो मुसलसल खा लें ताकि एक ही वक्त में ये सिलसिला ही खत्म हो जाए कुछ ना बचे बर्बाद हो जाए हम तहस नहस हो जाए तो व्हाट बट यू सेइंग जी आई थिंक yeah, uh, uh, ये थोड़ा सा आपकी ना अपनी मेंटल उस पर डिपेंड करता है कि हाउ मच आप कितने स्ट्रोंग माइंडेड हैं एंड यू वॉन्ट टू अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आप कैसे आना चाह रहे हैं ओके okay. ठीक है सो येस इट इज़ ट्रू कि वेन देर आर लॉट ऑफ टेस्टी फूड इन फ्रंट ऑफ यू यू फील लाइक ईटिंग एवरीथिंग बट वही टाइम है जब आपने अपने अंदर वो चीज़ स्ट्रॉन्गली एक चीज अपनी मेंटली सोचना है कि नहीं दिस इज हार्मफुल फॉर मी और डिसाइड करना है कि नहीं लेना नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना ठीक हाँ. है अब जो डॉक्टर साहब ने जो इस्लामाबाद में बात जो बात की है ऑनलाइन के मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जो वो बात कर रहे थे ठीक है तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स यही है कि अनहेल्दी फूड ठीक है जो लोग खा रहे हैं हम अपने बच्चों को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं आ, अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस के आ, करना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ उन्हें जो अनडायग्नोज है बट दे दे आर आर मूविंग लिविंग विद डायबिटीज एंड दे डोंट नो अबाउट इट और हमारे पास हॉस्पिटल में कब आते हैं जब कोई कॉम्प्लिकेशन उन्हें अच्छा ये गे दो बीमारियां ऐसी हैं जी बा, उसके बाद मैं आप लोगों को वॉक्सपॉप दिखाऊंगा फिर हम बात करते हैं दो बीमारियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग टेस्ट भी नहीं करवाते जी

जी नहीं अल्लाह का मसला नहीं है नहीं है नहीं।, नहीं है वैसे नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर चेक करता रहता हूँ मैं घर में आया मेरे पास तो कोई इस तरह का मसला नहीं है नहीं अल्लाह तो का शुक्र है कोई ऐसे मसाइल नहीं है मेरे साथ ना शुगर के ना ब्लड प्रेशर के बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं मुझे कोई ऐसा मसला नहीं अच्छा चार लोगों ने ये कहा कि उन्हें ये मसला है बाकी नहीं। लोगों ने कहा कि उन्हें ये मसला नहीं है मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ फिर आप लोगों की तरफ आता हूँ मुझे बताइए डॉक्टर साहब वसीम आप ये बताइएगा कि इन जिन चार लोगों ने ये कहा कि उन्हें है तो जाहिर उन्हें टेस्ट करवाए होंगे क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये लोग टेस्ट ना करवा रहे हों या बिकॉज इन सब की उम्रें जो हैं वो चालीस से ज़्यादा की हैं तो वो कौन सी एज होती है जहाँ पर आपको डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड पीरियडिकली आपको करवाने चाहिए देखें अब तो बात एज से बहुत आगे निकल चुकी है मेरे पास 16-17 साल के स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं वेट ज्यादा होने की वजह से इसी तरह से पहले वो बीमारी जो 40 साल के बाद सामने आती थी अब यंग एज में सामने आ रही है और एक बड़ा अजीब वरीब सा है ना एक लोगों का जहन बना हुआ है कि जैसे अगर फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे भी होगी ठीक है एक फैमिली हिस्ट्री होती है लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर सारी फैमिली ही ओवर ईटिंग कर रही है फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हाँ। तो उन्हीं को देख के आप भी उसी जो है राह पे चल पड़े हैं तो जो उनको डायबिटीज हुई थी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस फूड के एंट्री की वजह से वो आपको भी होगी तो इट्स नॉट बाय चांस इट्स बाय चॉइस ये बात समझनी बड़ी जरूरी है कि अल्लाह माजल्ला जालिम नहीं है आप हाँ। जो भी अपने हाथों का जो जो किया धरा है ना उसी का जो है ना वो जो नतीजा है वो इन्हीं बीमारियों की शक्ल में आप देखते हो तो मैं जो एक बात करूंगा कि अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि Uh, बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो उनको फूड क्रेविंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाथ रोक नहीं पाते तो ये बात भी समझना बड़ी जरूरी है कि जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो हमें भूख ज्यादा लगाएगा हमारी क्रेविंग्स हमारा हंगर बहुत बढ़ेगा उसके बरक्स अगर हम रियल फूड खाएंगे ना तो हमारी एपेटाइट भी कंट्रोल रहेगी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जब उनको हम लो कार्ब डाइट पे इंटरमीडियंट फास्टिंग के ऊपर लेके आते हैं ना तो इंटरमीडियंट फास्टिंग के मतलब बड़ी प्यारी चीज मैंने नोट की कि दो मील्स के बीच में अगर हम वक्फा रखते हैं और एक पैटर्न सेट करते हैं और फास्टिंग भी इनकॉर्पोरेट करते हैं उनकी रोजाना की रूटीन में तो ये देखा गया कि उनकी जो एपेटाइट है ना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से कंट्रोल हो जाती है वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं रसूल अल्लाह वसल्लम की पूरी लाइफ से हफ्ते दो में दो रोजे रखना भूख रख के खाना दो खानों के बीच में वकफा रखना यानी कि इंसान जो है ना वो खाएगा और फिर उस खुराक को यूटिलाइज करेगा अनफॉर्चुनेटली हम नाश्ता करते हैं फिर थोड़ी देर बाद चाय बिस्किट चल रहे होते हैं एक दूध जो पाउडर्ड मिल्क है मैं उसकी मिसाल देता हूं कि उसकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें तो वो तीन चीजें हैं शुगर वेजिटेबल ऑयल और स्टेबलाइजर दूध की तरह लेकिन चूंकि लोगों को इस तरफ गाइड नहीं किया गया उनको अवेयरनेस नहीं है तो वो अनजाने में ऐसी फूड इनटेक कर रहे होते हैं कि जिससे वो वो जो एनर्जी लेवल्स है ना वो भी उनके कम होना शुरू हो जाते हैं हज़रत वासीफ़ अली वासीफ़ रही का एक बड़ा प्यारा जुमला है कि ख़ुराक ताकत देती है और बहुत ज़्यादा ख़ुराक व ताकत छीन भी लेती है तो हमारे पास बड़े हुए वजन के साथ जब लोग आते हैं तो वो एक शिकायत करते हैं कि हम लिथारजिक महसूस करते हैं हमारी एनर्जी लेवल ठीक नहीं है तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि कम ख़ुराक में इंसान ज़्यादा मुशक्कत कर सकता है शर्त यह है कि वो कम खुराक सही हो तो अब वक्त आ गया है कि हम डाइट के मुतलक समझें सिर्फ कम नहीं खाना सही खाना है बहुत हो गया कि हम मरीजों को ये कहते रहे हैं कि ये भी बंद कर दो वो भी बंद कर दो वो बेचारा खाए क्या तो जब उसको जब हम ये बताएंगे ना कि खाना क्या है अगर रोटी चावल और इस तरह के मीठे अगर हम बंद कर देंगे तो बहुत कुछ हम फिर भी खा सकते हैं मैं एक, इक्तदाल के साथ खाना डॉक्टर साहब एक, एक टेलीफोन कॉल है लेट मी टेक दैट फर्स्ट फिर इसके बाद बात करते लेटमी जी 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 जीकुम वालेकुम असलम आपका नाम है मुझे दो क्वेश्चन साहिब मोदी तो आपसे पूछना पहले के आप अपने सर में कौन सा यूज करते हैं आपको आपकी फिटनेस का फर्स्ट क्वेश्चन और डॉक्टर साहब से मुझे दो क्वेश्चन करनी है कि मुझे ब्लड प्रेशर है लेकिन मैं कैलाज दे रही हूँ तकरीबन बीस साल हो चुके कैलाज टू करती है और मैं डॉक्टर साहब ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन है शुगर को काला सामने दिखा रहे उससे तो ब्लड निकलता है लेकिन क्या कोई ऐसा शुगर का आला हमारा पाकिस्तान में जिससे ब्लड नहीं निकलता है और right. दो सवाल आते हैं इनके पहला सवाल ये है कि ये मेरे ख्याल में शायद तीस सालों से प्रेशर के पेशेंट हैं और दूसरा सवाल ये है और मैं तीनों से पूछूंगा ये और तीसरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा आला है ये प्रोबिंग को कह रही हैं कि जब प्रोब करते हैं तो ब्लड निकलते जब शुगर चेक करते हैं तो प्रोब करते हैं तो ब्लड निकलता है तो क्या कोई ऐसा आला जो बगैर ब्लड के निकल जाता है जो जिससे टेस्ट कर सकते हैं ब्लड शुगर तो ये दो चीज़ें पूछना चाहती हैं प्लस उन्होंने मेरी फिटनेस के बारे में पूछा है तो मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ ब्रेक आ गई है ब्रेक के बाद बड़े तीनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं तीनों करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद डब्बू एच ओ के मुताबिक जुनूबी एशिया का शुमार ऐसे इलाकों में होता है जहाँ जियाबतीस का मरज तेजी से तेजी से बढ़ रहा है तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर चार में से एक फर्द जियाबतीस का शिकार है जियाबतीस पाकिस्तान में मौत की बड़ी वजह भी है पाकिस्तान में हर साल जयाबतीस के मरज़ के बायस तकरीबन डेढ़ ऐसी दो लाख अफराद मजूर हो जाते हैं जियाबतीस के मरीज जल्द ही दिल और गुर्दों और आँखों के मरस में भी मुब्तला हो जाते हैं जियाबतीस की दो इकसाम में टाइप वन और टाइप टू शामिल हैं ज्यादतीस की अलाम में थकावट का एहसास भूख और प्यास में इजाफा पेशाब की ज्यादती हाथों या पैरों का सुन होना इन्फेक्शन का बार बार होना में धुंधलापन, जख्मों का देर से ठीक होना खारिश शामिल हैं। का मरज अगर कई साल कंट्रोल में ना रहे तो हार्ट अटैक फालसदे नाकारा होना या पाँव पर जख्म मंदमिल ना होना जियाबतीस की पेचीदगी में शामिल हैं right, ताकि वो भी पता चल सके बाद हम ओपनली बात करते हैं प्रेशर हाइपरटेंशन या खून का मतलब है ब्लड प्रेशर का परहेज ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी आपकी खुराक और लाइफ स्टाइल ऐसी है मुसलसल ज़हनी तनाव गुस्सा डिप्रेशन नींद की कमी मुर्कन गसाओं तेज मसालों नमक खोरी मोटापे सुस्ती का शिकार है सिगरेट नोशी और मनशियात की बुरी लत में मुबतला हैं तो समझ लें कि ब्लड प्रेशर जैसा खामोश कातिल आपके ताकुब में है मतवाजन गज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल रोजाना वर्जिश का मामूल ही आपको ब्लड प्रेशर से महफूज रख सकता है और ब्लड प्रेशर को कहा गया है कि ये एक खामोश कतिल है लेकिन इससे पहले मैं उस सवाल पे आऊँगा जो उन्होंने किया था क्या कोई ऐसा आला अवेलेबल है जो आ, मतलब जैसे ब्लड ना निकले और शुगर टेस्ट हो जाए बिल्कुल सही ऐसा आला मौजूद है जिन्हें जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और ये फ्री स्टाइल के नाम से मौजूद है मार्केट में और स्पेशली हम बच्चों को बच्चों को जिनको टाइप वन डायबिटीज़ है उनको रिकमेंड करते हैं ताकि ट्वेंटी फोर टाइप वन डायबिटीज के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है और ये बच्चों में होती है और उन आवर्स ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके उन्होंने खेलना है स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स करनी है ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए यही यही रिकमेंडेड है अलबत्त टाइप टू डायबिटीज़ के अंदर चूँकि बहुत सी फ्लैक्सीबिलिटी मौजूद होती है और इसमें डाइट का रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंसुलिन डिफिशेंसी इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा पाई जाती है तो इसमें अगर वो कब अपना छः लेवल भी दिन में कर लें तो हम इसे बहुत समझते हैं और वो लोग जिनकी कंट्रोल डायबिटीज़ नहीं हो रही वो भी सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है जी पाकिस्तान का आता है डॉक्टर साहब 20,000 का है ये इस का जी है? इसकी एक ऐप होती है जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड होती है और एक okay. सेंसर्स होते हैं जो आपके यहाँ पे आम पे लग जाते हैं अच्छा और कितना एक्यूरेट होता है इट्स Nice, हंड्रेड है, है, नाइस yeah, really nice, उसमें ये जिस ओल्ड एज है या जिस तरह डॉक्टर जी सो बेस्ट ओल्ड एज में आप देखें कि जब पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे होते हैं या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स ले रहे होते हैं सो so दे कैन गो इन टू हाइपोग्लाइसीमिया शुगर हाँ, एकदम नीचे गिर जाती है हाँ, ठीक है सो उसमें एक टर्म आता है टाइम इन रेंज Okay. कि हम उसमें एक रेंज शुगर की सेट करते हैं जिसमें 72 टू वन थर्टी की ये नॉर्मल रेंज है और इसी रेंज में शुगर को रहना चाहिए इस पेशेंट को हर पेशेंट की इंडिविजुअली हम सेट करते हैं लेकिन मोस्टली यही होती है लेकिन उसमें आपको ऐप आप में पता चल जाएगा कि पेशेंट जब अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो ऐप में पता चल जाएगा कि पेशेंट को कब कब हाइपो में वो गया कब कब उसकी शुगर लो हुई okay. और स्पाइक्स आई और कब कब बहुत ऊपर गई ठीक okay. है और उसके मुताबिक ऐड कर दूं कि इसका एक और फायदा ये है कि इस हाँ। आपकी मदर है या आपके या। घर के कोई रिलेटिव्स हैं तो हाँ। उनकी ऐप आप, आप... भी उसको मॉनिटर कर सकते exactly. हैं आप भी डाउनलोड कर सकते हैं yeah. चेक कर सकते। exactly. I think, पापा, ये हमें करना चाहिए, yeah. चाहिए yes, exactly. अम्मा के लिए लेना चाहिए yeah, बिल्कुल बिकॉज दिस इज वोट एम गोइंग टू डू ये प्रॉब्लम yeah. आज की न्यूज सबसे बड़ी ये न्यूज है मेरे लिए हम ये कर सकते हैं दूसरी बात ये उनको थर्टी एट से आई थिंक वो कह रही थी ब्लड प्रेशर है और वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कर सकती हैं वो किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकती हैं तो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं डॉक्टर वसीम जवाब दीजिएगा इस बात का जी एक तो लंबे अरसे से ना हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का इशू है तो ये इतने लंबे अरसे तक अगर ब्लड प्रेशर का मसला रहे तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाती है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो मेडिसिन को छोड़ने का सोचे लेकिन उसके साथ साथ एक बात समझनी है कि जो खून की नालियों में सोजिश बढ़ती है ना उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है Okay. तो सबसे पहले उस सोजिश को कंट्रोल करना है लंबे अरसे से टेंशन है तो इसके साथ साथ बाजूकात फैटी लिवर भी होता है जब जिगर पे चर्बी चढ़ रही होती है तो वो टॉक्सिक फॉर्म का फैट होता है सीराइट कहते हैं उसको और वो खून की नालियों में कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करता है जिससे सोजिश बढ़ती है तो हमने अपनी डाइट में जो इन्फ्लेमेटरी फूड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत हेल्प करती है जैसे जैसे वो फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वो सोजिश भी कम होना शुरू हो जाती है और सबसे बढ़कर ये जो बॉडी फैट अक्सर खातन जो है अगर आप उनका जो है वो सेंट्रल ऑफिस्ट्री देखें तो ट्रंकल फैट बहुत ज्यादा होता है तो इनको चाहिए कि अगर इनका वेट बढ़ा हुआ है बॉडी फैट ज़्यादा है तो बॉडी फैट को कम करें जितना बॉडी फैट कम होगा उतनी ही इन्फ्लेमेशन कम होगी जितनी सोजिश कम होगी उतना कुदरती तरीके से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा एक डॉक्टर साहब हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि जितना ब्लड प्रेशर वजन कम कम करने से कम होता है उतना किसी दवाई से नहीं होता तो अच्छा अच्छा डॉक्टर अच्छा, साथ साथ मुझे हमारे लोगों को ना मतलब स्टेप वाइज समझ आता है मुझे ये बताइए ये इंटरमीडियंट फास्टिंग होती क्या है मुझे तकसीम करके बताइए एक 24 घंटे के दौरान क्या करना है इंटरमीडियट फास्ट हमने लफ्ज़ तो अक्सर सुना है फास्टिंग इंटरमीडियंट लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता तो दो चीज़ें कीजिएगा पहले तो इसको डिस्क्राइब कर दीजिए क्या होती है और दूसरा इसके फवाद क्या हैं उस पर हम फिर बात कर लेंगे लेकिन पहले आप सिर्फ यह बताइए कि ये कब से कब तक होती है जी ये टाइम टाइम रिस्ट्रेंट जो है ईटिंग को इसको हम कहते हैं कि पहले स्टेप बाय स्टेप में लेके चलता हूं इंटरमीडियट फास्टिंग नहीं की तो अगर वो एकदम से ट्राई करेगा और खाने से दूर रहेगा और फाका करेगा तो उसको स्टार्ट में बड़े मसले होंगे उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगी उसको सर में दर्द होगा उसकी तबीयत खराब हो सकती है तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हमने सबसे पहले प्रोसेस फूड को अपनी लाइफ से निकालना है पहले रियल फूड की तरफ आए ब्रेकफास्ट लंच डिनर इस पैटर्न को सेट करें इसको लेके चलें और फिर लैट से रात को दस बजे अगर आप नौ बजे आपने डिनर कर लिया तो सुबह उठे आ, ग्रीन टी पी पी या ब्लैक कॉफी ली और उसके बाद अपने दिन का आगाज कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता बारह बजे फिर आप कोई कैलरीज ले लें और इसको स्लोली ग्रेजुअली आप जो है ना इस जो फास्टिंग की विंडो है इसको बढ़ाएं दो बजे तक ले जाएं चार बजे तक ले जाएं छः बजे तक ले जाएं मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा एकदम से सबको कि वो इतनी तेजी से इसको बढ़ाएं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएं हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फोर्टी एट आवर्स की भी फास्टिंग की है और बहुत सारे लोग अगर इस बात से बाखबर नहीं है तो मैं उनको ये खबर दिए देता हूं कि जब हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एक खुदकार निज़ाम है जिसको कहते हैं अटॉफ वो एक्टिवेट हो जाता है और वो पुराने सेल्स को रिप्लेस करता है नए सेल्स के साथ यानी कि रीमॉडलिंग करता है तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रिपेयर रिकवरी का जो निजाम रखा हुआ है वो मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो खाते रहते हैं उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है इंसुलिन लेवल स्पाइक करते हैं तो ये वाला जो फायदा है ना इससे इंसान महरूम हो गया है तो फास्टिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलेंगे बेशक स्टार्ट में दस घंटे कर लें बारह घंटे चौदह घंटे सोलह घंटे और स्टार्ट में वाटर फास्टिंग करें उसके साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी रखना है क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में ही पानी का इस्तेमाल भी पूरा नहीं रखेंगे अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए डॉक्टर प्रदीप जमुना दास है मैं उनका हवाला देता हूँ ये एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं फ्लोरिडा में होते हैं इनको बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है वो ये कहते हैं कि मैं अपने पेशेंट्स को फास्टिंग दो वजूहत की वजह से करवाता हूँ एक उनको पता चल जाए कि वो खाए बगैर मरेंगे नहीं दूसरा उनको पता चल जाएगा कि जो भूख वो समझते हैं ना कि भूख वाकई एक्चुअल है भूख तो वो भी उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारा एक रेलन हार्मोन होता है हंगर हार्मोन जब हम बर्दाश्त करते हैं अपनी भूख को तो कुछ अरसे के बाद उसके लेवल्स खून में कम हो जाते हैं और हमारी जो भूख है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है जिस शख्स ने भी इंटरमीडियंट फास्टिंग प्रैक्टिस की है तो तो उससे उसमें एक तो उसका जो गट उसका जो मैदा है वो बड़ा पुरसकून रहता है और सबसे बढ़कर वो कहता है ना कि मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे किसी खाने की जरूरत है तो हमेशा अपनी सुने ये जो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस हुई भी होती है ना तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है तो हमने इसी नशे को तोड़ना है ये जिस नशे के लोग आदि हो गए

और खाने वाली कोई चीज़ नहीं आपने खानी okay. और सुबह आपने सात या आठ बजे नाश्ता आपने अपनी रूटीन में करना है और कोशिश यही करें कि बीच में जो ये स्नैक्स है या आप हर वक्त थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं इससे आप परहेज परहेजेंगे ये नहीं होगी okay. हो क्योंकि okay. हर दफ़ा इसे हार्मोन्स आपके चेंज हो गए हम चाहते हैं कि इंसान सिर्फ कार्डियन रिदम के करीब आए जिस तरह आपने घड़ी लगाई हुई इस हमारे जिसम के अंदर भी एक घड़ी है अपने हम सुबह जब उठते हैं तो एक डॉन फिना है जिसमें हमारे तमाम हार्मोन्स इंक्रीज़ करते हैं आप यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से हम नाश्ता करते हैं और वो हमें एनर्जी देते हैं और सुबह का हमारा जो टाइम होता है वो बड़ा फ़्रेश और एनर्जेटिक होता है और हम बहुत से नए ख्याल सोच सकते हैं हम अपना काम बेहतर तौर पर कर सकते हैं और हम तमाम चीज़ों की तरफ बेहतर तौर पर अपने आप को फोकस कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उन हारमोनस के लेवल्स चेंज होते रहते हैं जब हम बिन जीटिंग करते हैं और बार बार अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं तो हम नेचर के साथ खेलते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि

डायबिटीज़ uh, में तो अक्सर ये होता है कि आपको दर्द का एहसास भी नहीं होता oh. सो मच सो कि अगर आपको खुदा ना करे हार्ट अटैक हो रहा है या कोई कार्डिक कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो वो उसका भी एहसास नहीं होता और ब्लड प्रेशर आपको पता है इट्स कॉल्ड द साइलेंट किलर और इसमें भी हेल्प होती है अगर आप इंटरमीडियट फास्टिंग पर चले जाएँ दवाएँ आपने नहीं छोड़नी लेकिन आज जो हम बातें करें उनको ज़रूर सुनना है उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसकी क्योर के बारे में जाएंगे कि क्योर किस तरह से किया जा सकता है इस कंडीशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है लेकिन एक ब्रेक के बाद रेगुलर ये है कि ज़्यादातर तो टेस्ट हम अपने घर पर ही अपनी मशीन पे चेक कर लेते हैं और ये है कि क्या कहते हैं कभी कभार मौका मिल जाए तब जाके टेस्ट करवा लेते हैं नहीं कभी और जोर तो, तो करा लेते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हैं अल्लाह का शुक्र है रेगुलर टेस्ट बस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो करवा लेते नहीं तो लेते नहीं तो ना से ये तकरीबन हम कोई एक माह बाद डेढ़ माह बाद हाँ हाँ बिल्कुल रेगुलर क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं फिट रहते हैं वॉक वगैरह करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कभी जब होगा तो कोई सिम्टम्स होंगे तभी टेस्ट करवाने जाएंगे बाद। शुगर के हो जाते रेगुलर यार मतलब इस तरह कोई ब्लड प्रेशर क्योंकि मसला ही नहीं पेश आया बंदे को फील हो गया मुझे कोई मसला है तो फिर करवाते हैं रेगुलर मैं तकरीबन छः वीक में एक दफ़ा भी करवा लेती हूँ छः माह बाद भी करवा लेती हूँ पंद्रह दिन बाद मैं कभी नहीं कराया मेरा ख्याल है कि सिक्स मंथ के बाद करवा लेती हूँ वैसे शुगर तो नहीं कराता सीबीसी करा लिया इस तरह करा लिया मैं तीन महीने बाद चार महीने बाद करवाती हूँ मुझे नहीं लगता उनमें से हम ना तो हम बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं हर चीज को exactly. बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं अच्छा वेरी क्विकली क्योंकि बहुत सारी मुझे चीजें कवर करनी तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कब कब टेस्ट करवाने चाहिए आ, जब आपकी उम्र डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है डॉक्टर वसीम ने कहा है कि जी, अब तो एज तो रही नहीं exactly. एज, एग्जैक्ट भी नहीं रही अब आप मेरे जो क्लिनिक में जो है जो मेरे यंगेस्ट पेशेंट है डायबिटीज टाइप टू के वो तेरह चौदह साल चौदह साल के बच्चे आ रहे हैं बच्चे जी टाइप टू में सो डैट इज रियली वेरी अलार्मिंग बिकॉज अब कोई कोई वैसे तो है कि आफ्टर 45 तो आपने अपने हर साल अपने डायबिटीज के टेस्ट तो करवाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर जो है इसका आप कह सकते हैं कि इट कैन स्टार्ट फ्रॉम यंग एज सो देर इज नो एज स्पेसिफिक अगर आपके पास साइन सिम्टम्स आपको आ रहे हैं आपका सर दर्द हो रहा है पेल्पिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा थकावट हो रही है दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है तो रिपोर्ट या अच्छा, और बड़े रीजन है ना आज तो हम फेसबुक की नेशन है ना जी ट्विटर की नेशन है

ठीक okay. है जिसमें फाइव मतलब फाइव पोर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो आपने हर रोज लेने ठीक है टू मतलब लेस देन टू आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम डेली टू आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम लेस देन टू आवर्स मोबाइल का जी मोबाइल अच्छा. का या जो भी आप देख रहे हैं कर

Uh, मैं 12 से 15 मील एवरी सिंगल डे आई रन इन माय लाइफ मैं पोषण कंट्रोल करके खाता हूँ खाता सब कुछ हूँ पोषण कंट्रोल कर, करके खाता हूँ मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी लेकिन एक बात ज़रूर हुई अचानक से एक रोज़ अचानक से एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरा मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है और पिछले चार पाँच साल से हाई है कैसे जब मेरा इको करवाया गया तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जो था वो एक्सरसाइज लगा बड़ा लगा तो फिर उसके बाद पता चला और अब मैं बाकायदा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हूं एक और छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है वो जब खत्म हो जाएगी तो मैं रनिंग शुरू कर दूंगा बिकॉज वर्जिश बहुत ज्यादा जरूरी है तो अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज क्या है तो कोई और राज नहीं है कि मैं पोषण कंट्रोल करके खाता हूं खाता सब कुछ हूं डायट मैं सारी लेता हूं लेकिन एट द सेम टाइम मैं पूरी कोशिश यह करता हूं कि कम कम दस से पंद्रह मील तक मैं भाग सकूं Hmm. मैं और मैं बहुत बहुत ज्यादा तेज नहीं साढ़े सात से आठ मील फी घंटे की रफ्तार से आप भागते हैं अगर आप स्प्रिंट करेंगे आप पागल हो जाएंगे आप नहीं कर सकेंगे आपके घुटने जवाब दे जाएंगे लेकिन प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपनी जिंदगी में वर्जिश exactly. को जरूर डालें yeah. एक टेलीफोन कॉल ऑनलाइन सलाम सलाम हेलो सामकुम जी सलामकुम आपका नाम अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं आप मेरा फोन उठाते मेरा फोन आपने उठाया ही नहीं है और डॉक्टर नदीम अशरफ फोन कर रहे हैं ये भी सही है कल किया था मैंने आपको परसों भी किया था अच्छा है नहीं भारे भारे था नहीं। था कुछ नहीं आपका आपकी लाइन बिजी मिली थी जो दूसरी वाली भाभी है ना आप उनसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आज कल जी बसियत <laughs> अल्लाह का शुक्र आप बताइए आप ठीक है अलहमद लाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है हाँ। और इस वक्त लोगों को समझाने की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक खामोश काट में इसको इग्नोर करना अपनी जिंदगी से खेलने के मुतारद है और प्रॉब्लम यही है कि पेशेंट अपने डॉक्टर से दूर है खुद ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अन अवेयर है उसकी कॉम्प्लिकेशन से अभी जो आप बात कर रहे थे कॉम्प्लीकेशन की इतनी इम्पॉर्टेंट है ये और लोगों को इसका अंदाजा नहीं है इस बात को बताने की जरूरत है लोगों को ख्याल रखे हैं जितनी अच्छी सेहत होगी उतनी अच्छी आपकी जिंदगी है आपकी जिंदगी से लोग खेल रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर लेके लोग घूम रहे हैं दवा खाने में बिल्कुल तैयार नहीं है टोटकों पर लगे हुए हैं इससे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में है इसका जरूर ख्याल करना लोगों को एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है इतना खाना लोग खा रहे हैं खासकर सभी है पूरी कौन खा रही है लेकिन ये जो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से इनको जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा वॉक की आदत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं अच्छा डॉक्टर डौ, साहब ये ये मुझे बताइए कि जब खुदा ना करे अगर आप ज्याबतीस या शुगर का शिकार हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए अक्सर लोग क्या क्या इंसुलिन लगाना पहले बेहतर है इंसुलिन पे जाना चाहिए या हमारे यहाँ एक आम रिवाज है कि इंसुलिन एक आखिरी जो कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों मैं तीनों डॉक्टर से भी पूछूंगा आपसे भी पूछूंगा हमारे यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट है कि इंसुलिन सबसे आखिरी हद होती है बस उसकी जो इंसुलिन पर चला जाता है फिर वो समझता है कि शायद वो जबकि अमरीका में इसके बिल्कुल उल्टा है लेकिन लेकिन नहीं भाई ये हम बाद में बात करते हैं आपके ख्याल में जो अगर खुदा ना करे आपको शुगर हो गई है तो क्या आपको इंसुलिन पे पहले जाना चाहिए या दवाएं खानी चाहिए या किस तरह से उसको कंट्रोल करना है उसकी जरूरत है की आपका शुगर लेवल कैसा आ रहा है अपना हाँ। भी करवा के अपने डॉक्टर के मशवे से यहाँ तक देखा है कि लोग अपने खुद से लोगों ने इंसुल स्टार्ट की है और बिल्कुल सही बात है इंसुलिन को लोग अपनी इलाज समझते हैं और बिल्कुल इंसुलिन पे जाने का मतलब ये है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है समझाओ लेकिन ऐसा नहीं है इंसुलिन बहुत अच्छी चीज़ है आपकी फायदे की चीज है और जो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको फॉलो करें प्लीज ये बात उनको समझाएं अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर एडवाइस करें खुद से मैंने कितने मरीज देखे मैं एक कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ जिसमें अच्छा मैंने शुगर के नाइन थाउजेंड पेशेंट ऑनलाइन देखे और शायद इतना बुरा हाल है इतना बुरा हाल है पेशेंट का लोग इंसुलिन को आखिरी इलाज समझ के उससे जाना ही चाहते अपनी शुगर अपने गुर्दे खराब कर देना बेहतर समझते हैं मतलब लोगों को उसकी कॉम्पिकेशन का अंदाजा नहीं है अपने हर चीज उनकी आंखों बिना शुगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ रही है रीजन हाँ। क्या है रीजन ये की अन अवेयरनेस है अपना टेस्ट नहीं करवाते अपनी दवा इवन चार चार साल की प्रिस्क्रिप्शन लोगों ने संभाल के रखी उसी दवा को खा रहे हैं इस दौरान कोई टेस्ट नहीं हो तो रहा कोई कॉम्प्लिकेशन चेक नहीं हो रही बहुत बड़ा है पेशेंट का डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच और आपको हम डी एस एन जी भेजेंगे तब लाइव आपसे बात करेंगे नदीम अशरफ मेरे बेहतरीन दोस्त हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच बहुत और so भाभी मैं मजाक कर रहा था नो ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मतलब अब, और अब आप लोग शादी भी इतने दिन हो गए मतलब आपको तो पता ही है अच्छा मैं मैं मुझे ब्रेक लेना है ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो ब्लड प्रेशर की वजह से नुकसान क्या होते हैं और शुगर की वजह से क्या नुकसान होते हैं इस पे हम बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद ऑल राइट जी एक हम पहले सबसे पहले पैकेज लगाते हैं डायबिटीज और जयाबैतीस का पैकेज जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का दोनों का साथ लगा दीजिएगा उनके नुकसाना क्या हैं एंड दैन फिर उसके बाद बात करते हैं ओपन करते हैं फिर अलग लगाइए ज़ियाबतीस से बचाव के लिए परहेज जरूरी है डिप्रेशन और बेचैनी भी जियाबतीस को जन्म देते हैं जिंदगी और खुराक में मेंियाबतीस को दावत देते हैं अगर आपको जयाबतीस से बचना है तो वर्जिश वर्जिश को मामूल बनाना है रोजाना तीस मिनट तक वर्जिश या वॉक से आप जयाबतीश से महफूज रह सकते हैं सिगरेट नोशी और नशा आवर अशिया से परहेज़ करें वजन में कंट्रोल मतवाजन खुराक नमक मीठे और मुरखन गज़ाओं का कम इस्तेमाल ही आपको ज़्यादतीस से बचा सकता है अगर आप ज़्यादतीस के मरस में मुबतला हैं, तो मजीद एहतियात जरूरी है बाज़त तो पाओ का अंगूठा भी ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन या बुलंद खून का मतलब है दिल कितनी कुत से जिसम को खून पम्प कर रहा है दिल की धड़कन की ओपरी हद को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और निची हद को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है आम तौर पर सेहतमंद नौजवान का ब्लड प्रेशर 120 से 80 तक का होता है अगर आपके सर में दर्द है सर चकरा रहा है नज़र कमज़ोर हो रही है थोड़ी सी मुशक्क़त से सांस फूल रहा है सीने में दर्द महसूस हो रहा है दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और पसीना आ रहा है तो ये हाई ब्लड प्रेशर की अमात को ज़ाहिर करता है जहनी तनाव और गुस्सा भी ब्लड प्रेशर की निशानी है मौरूसी ब्लड प्रेशर के हामिल अफराद को महतात रहने की जरूरत है हाई ब्लड प्रेशर अगर फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो फालिज हार्ट अटैक दिमाग की शरियान फटने या गुर्दे फेल होने का भी अंदेशा होता है जी डॉक्टर साहब हूँ। ये बताइएगा सर ये तो हमें पता चल गया कि जी क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या नहीं होते हैं इससे जो नुकसान होते हैं वो क्या हो सकते हैं और अलार्मिंग सिचुएशन कब आती है जैसे अभी डॉक्टर नदीव ने बात की थी वो कहने लगे चार चार साल से प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है वो गए नहीं है उसी हैं उसी को लिए जा रहे हैं या उसको रोक दिया गया है है तो सर ये क्या सिलसिला दोनों साइलेंट किलर्स हैं शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी तो इसके नुकसान इससे क्या हो सकते हैं जी ये दोनों मैंने पहले भी कहा कि रूट कॉज जो है इसकी सेम है जो ड्राइविंग फोर्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जो कि इस बीमारी को लेके चल रही है तो अगर आपके वाइटल ऑर्गन मुतासर हो रहे हैं तो इससे बड़ा खतरा और क्या होगा दिल मुतासर हो रहा है गुर्दे मुता हो रहे हैं आंखें मुतासर हो रही हैं पेरेफ्र न्यूरोपैथी पैरों का जलना ये इतनी जो है ना ख़तरनाक बीमारी है कि अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो इंसान जो है ना वो बिल्कुल टूट के रह जाता है एक और चीज़ मैं इस पर ना हाईलाइट करूँगा क्योंकि फिजिकल एक एक्टिविटी की बात हो रही थी तो फिजिकल एक्टिविटी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट्टी परसेंट ग्लूकोज मसल्स को चाहिए होती है शुगर के मरीज का तेजी से मसल लॉस हो रहा होता है तो अगर हम उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए और एक अच्छी प्रोटीन डाइट में नहीं रखेंगे इस, इससे मैनेज नहीं करेंगे तो वो मसल लॉस हम रोक नहीं सकेंगे और हो क्या रहा होता है कि बॉडी स्टोर करती है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में अगर मसल लॉस हो रहा है तो जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम हो रही है

दंड निकालना और यकीन जाने हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 60 साल की उम्र में भी पुशअप्स कर रहे हैं कर 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 रहे 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 हैं 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 वो एक्सरसाइज जो शायद 30 साल का नौजवान भी नहीं कर सकता, कर सकता। तो भी और सही? ये जरा सा अगर हम इन डाइट के ऊपर फोकस करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके आए उनको तो ये बड़ी हेल्प होगी एक बड़ी गलती जो हमसे हुई है ना कि हम पेशेंट्स को कहते रहे हैं कि ज्यादा वॉक करो और कम खाओ अब हमें कहना चाहिए कि सही खाओ मसल ट्रेनिंग करो और प्रॉपर स्लीप का ख्याल रखो स्ट्रेस को मैनेज करो खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है कंपैरिजन छोड़ दें, जितना कंपैरिजन करेंगे उतना गिला बढ़ेगा जितना गिला बढ़ेगा उतना वसवसा बढ़ेगा जितना शुक्र बढ़ेगा उतना यकीन बढ़ेगा जितना यकीन बढ़ेगा उतना ईमान बढ़ेगा तो यही है कि जी जो इंसान ये कहता है कि मैं खल, कल खुश वो कभी खुश नहीं होगा अच्छा डॉक्टर आज फैसला लें डॉक्टर डॉक्टर साहब मैं, मैं रिपीट करता हूं कि बदलने के साथ खुद को बदलें बदले। और इन सारी चीजों के ऊपर अलमल अच्छा डॉक्टर साहब वेरी क्विकली क्योंकि मुझे इन बा, बाकी से भी डॉक्टर साहब से भी पूछना है डॉक्टर सायर से भी पूछना है डॉक्टर जेब से भी पूछना है लेकिन वेरी क्विकली आपका ये जवाब मैं चाहता हूँ उसके बाद हम एक कॉल पे जाएंगे मुझे बताएं क्या इंसुलिन आखिर में लेनी चाहिए जो एक एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर हमको इंसुलिन कह दिए तो बस जिंदगी खत्म हो गई है या जब हमको शुगर डायग्नोज हो तो उसके साथ हम इंसुलिन पे चले जाएं क्या होता है या इट कि आपको शुगर है कितनी किससे कंट्रोल हो जाएगी देखिए सिंपल सा एक टेस्ट है सी पेप्टाइड का टेस्ट है लबलबे हाँ। का टेस्ट अक्सर आम तासुर यह होता है कि लबलबा कमजोर पड़ गया हाँ। तो लबलबे का टेस्ट है सी पेप्टाइड ये टेस्ट आपको बताता है कि लबलबा कितना काम कर रहा है जितने इसके लेवल नॉर्मल आएंगे उतना आपने होपफुल रहना है इसका मतलब है कि थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कुदरती तरीके से ब्लड शुगर को स्टेबल कर सकते हैं सी पेप्टाइड अगर कम आ रहा है नॉर्मल लेवल से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि लबलबा कमजोर पड़ गया है।, है अब हमें इंसुलिन की तरफ जाना है, है? लेकिन नाइन्टी परसेंट केसेस जो है वो टाइप टू डायबिटीज का शिकार है okay. तो टाइप टू डायबिटीज में हाइपर इंसुलिनिया है खून में इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से काम नहीं कर रही okay. हर अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो जहर बन जाती है हाँ इंसुलिन काम करती है रिसेप्टर रिसेप्टर पे और लेस इज मोर इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रमोट करना है इंसुलिन के लेवल जितने कम होंगे इंसुलिन फंक्शनल होंगे इंसुलिन के जी जी बोलिए जी इंसुलिन के साथ हमने देखा है बहुत से मिथ्स से एसोसिएटेड है अब कल ही बात है एक मरीज मुझे कहने लगी कि मुझे मीठे का बहुत शौक है हमें मीठे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मुझे किसी ने कहा है कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएं आप जितना मर्जी मीठा खाएं ऐसा बिल्कुल नहीं है इंसुलिन एक दवा है और इसको दवा ही के तौर पे दिया जाता है और इसकी इंडिकेशन हैं जिसके मुताबिक दिया जाता है हमारा जो हारिस है ना वो मुझे क्या मुझे ना मीठा मुझे भी पसंद है तो मैं कभी कभी संडेज वगैरह ले लेता हूँ वो एक बेकरी है यहाँ बहुत मशहूर है उनके संडेज बड़े मशहूर होते हैं सबको पता है तो वो वो ले ले लेता हूँ तो मैंने जब खा लिया ना तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ तो मैंने से कहा मैंने कहा यार ये मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं करने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग रेपिड एक्टिंग और फिर लॉन्ग एक्टिंग और बहुत से हाँ। लोग अपनी मर्जी से अपनी इंसुलिन खुद तजवीज करते हैं और फिर अपनी डोज भी खुद ही लगाते हैं और फिर हाइपोग कोमा में वो प्रजेंट करते हैं जबकि बेहोश होते हैं और ये जान वा भी साबित हो जाता है तो इंसुलिन की दवा एक मुस्तंद मोहल्ज से ही लगवानी चाहिए और हर शख्स हरगिज़ नहीं है अच्छा इसमें मैं एड ऑन करना चाहूँगी कि जो गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि जो टाइप वन डायबिटीज़ है उसमें तो है ही बिकॉज़ आपका लबलबा जो पैनक है वो बिल्कुल नहीं बना रहा तो उसमें तो जो बच्चे हैं टाइप वन के हैं या जो ऑटो इम्यून है लेडा है डायबिटीज़ की वेरियंट एक होती हैं मेचोर डायबिटीज़ है तो उसमें तो इंसुलिन लगनी ही लगनी है ठीक है लेकिन जो टाइप टू डायबिटीज़ है सबसे पहले जब आपके पास आएगा अगर हम सबसे पहले हम उसकी जो डॉक्टर साहब ने भी बात की कि सी पेप्टाइड लेवल्स करवाते करवाते हैं हैं लेवल भी हम उनका ठीक है जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि अगर एच बी वन सी लेवल्स मोर देन टेन आ गई हैं ठीक है फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो थ्री हंड्रेड से ऊपर जा रहा है इन कंजेक्टिव रीडिंग्स ठीक है तो देन पेशेंट को आप इंसुलिन पे स्विच ओवर करें लेकिन अगर इससे कम है

हाँ, सबसे बड़ी बात पैसा हाँ, देखिए हम हम चाहे कुछ हाँ, भी करें हम हाँ, एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इस वक्त बिजली का बिल हाँ, जो है हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अगर exactly, बिजली आ जाए तो हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अगर वो नहीं करवा सकते तो जो ग्लूकोमीटर होता है वो तो एक आसान सा एक टेस्ट है ना कहीं भी आप क्लिनिक्स में चले जाएं कहीं भी फार्मेसीज में चले जाएं आराम से आपकी पिक करके शुगर का टेस्ट कर लेते हैं ठीक है तो उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन है उसके बाद हम आते हैं सिंगल ड्रग पे ठीक है सिंगल ड्रग से नहीं फर्क पड़ता आफ्टर मंथ्स वी स्विच टू सेकेंड ड्रग फिर हम थर्ड अच्छा एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ अगर आप कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल करें लेकिन टोटका रिप्लेस नहीं कर सकता पहली बात टोटका exactly. भी अगर, yeah. अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फिजिशियन और अपने डॉक्टर खुदा का गूगल डॉक्टर्स मत बन जाए कीजिए खुद डिसाइड मत किया कीजिए बड़ा इसमें मैंने लोगों को झेलते हुए देखा है मैंने लोगों को जाते हुए देखा है खुद डिसाइड मत किया करें मेरा अपना बेहतरीन दोस्त था बेहतरीन दोस्त चौंतीस साल की दोस्ती और वो गए तो कैंसर की वजह से हैं लेकिन कॉम्प्लीकेशन उनको बहुत और हो रही थी मैंने उन्हें अपने हाथों से दफनाया है मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा का वास्ता गूगल डॉक्टर्स मत exactly, बनिए और इन टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टोट का कर इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल जाएं आप आप हिकमत के अंदर जरूर जाएं हिकमत में बड़ी अच्छी मेडिसिन है मुस्त हकीमों से भी आप बात कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ बल्कि उन दोनों की बात करवा दें आपस के अंदर कि जी ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या ये मैं इसको सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए कोई आपको रोकेगा नहीं बहुत सारे फल ऐसे हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर चाहे वो चाहे वो आ, आ, शुगर हो ये दो ऐसी चीजें हैं जो साइलेंट किलर्स के तौर पे काम करती हैं और प्लीज इसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल रिक्वेस्ट है अपने डॉक्टर की दवाओं को कभी मत छोड़ें और, और पीरियोडिकली अपने चेक्स जो हैं वो करवाते रहा exactly. करें कुछ आप exactly. कहना चाह रहे थे जी बिल्कुल थोड़े से में के बारे में बात करना चाहूंगी बिकॉज प्रिवेंशन बेटर ठीक है लोग अब दवाइयां भी इतनी महंगी हो गई हैं

हमें दिए गए होते हैं कुछ पट्ठे वो होते हैं जो भिजवाए गए होते हैं वो पट्ठे भी बड़े कमाल होते हैं उन्होंने उन्होंने बताना होता है कि आपको कि वो हमारे पट्ठों के साथ हशर क्या करेंगे वो तो ये तो पोलिटिकल डॉक्टर साहब आप मेरे साथ पॉडकास्ट पर आइएगा आपकी कुछ ऐसी बातें मजा आएगा बहुत और इन शाह मुल्क से बाहर करेंगे ताकि ताकि कोई ना मतलब यहाँ पे उसके बाद हमारे पट्टों के पीछे कोई ना पड़ जाए <laughs> अभी आपने ना बड़ा अच्छा एक रियलिटी चेक दिया अभी आपने <laughs> लोगों से जब ये पूछा था कि आपने <laughs> कब अपना अपने चेकअप कराया, कराया कब कर कराई तो एक जो जवाब बड़ा अच्छा सब ने दिया कि अलामत नहीं आई <laughs> <अलामत। laughs> अब ये कुछ चीज़ों की बड़ी वेग अलामत है इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर वो मर्ज है मर इसलिए साइलेंट किलर कहते हैं कि ये साइलेंट इतने देर तक आपके अंदर रहते हैं और जब ये कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं तब पता चलता है कि मौजूद है तो अलामत इनकी वेग है मसा के तौर पर चेक कराना फेंट होना सर में दर्द होना आंखों के आगे, आगे बेनाई का मतासिर होना वगैरह वगैरह yes. या नाक में से खून आना तो आप ब्लड प्रेशर के लिए uh, mom, भागते हैं शी वाज 45 इयर्स ओल्ड एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं तो शी डिड न्यू शी हैड शुगर हो शी वाज लूजिंग वेट ओके एंड जब हमने उनका शुगर टेस्ट वैसे ही हमने उनका यूरिन टेस्ट करवाया फॉर शुगर एंड ऑल द टेस्ट तो उसमें ऑलमोस्ट 500 प्लस उनकी शुगर आई सो विद इन 6 मंथ्स इट इट इज अ साइलेंट किलर मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूं शी हैड मेजर आर्टरी ब्लॉक्स इन हार्ट शी वाज़ जस्ट फोर्टी फाइव और उनका बाईपास हुआ सिक्स मतलब अलहमद शीज फायर नाव अब मैं उनकी oh. सारी और oh. तो उस टाइम पर तो मैं भी छोटी थी मुझे इतना आइडिया नहीं था लेकिन अब यू you नो know, उनकी एक एक मेडिकेशन का हिसाब किताब रखते हैं लेकिन तब जो हो गया वो हो गया okay. yeah. not, no oh, जब भी मैं कभी वार्ड में देखती हूँ मैक्मम मरीज जो कि अपने गुर्दों का डायलिसिस करा रहे हैं ब्लड प्रेशर है या शुगर है ये दो मेन हाँ। है इसी तरह जितने फालिज के मरीज पड़े हो उनसे आप Blood पूछ लीजिए ब्लड प्रेशर शुगर pressure, तो अगर... देखिए फालिज भी हो सकता है गुर्दों की बीमारियां भी हो सकती हैं हार्ट अटैक भी हो सकता है आर्टरीज ब्लॉक भी हो सकती हैं बहुत सारी चीजें हैं और ये सारी स्टेम करती है कहां से ब्लड प्रेशर से और शुगर से अच्छा एक और चीज है तीनों से पूछूंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ तमाम लोगों से इस बात को नोट कर लीजिएगा अगर आपको वेट लूज करना है तो ओजिक उसका इलाज नहीं है

Olive, सर मतलब आप कोई आसान चीज नहीं बनाते सर, यही तो खाने वाली चीजें होती संडे को हम लोग मारफा जा रहे हैं और है just, हम गाने वाने गाएंगे, गाने गाएंगे। और ये याद रखिएगा टिकट कोई नहीं है आप हम लोगों को हमारी असल शक्ल में देख सकते हैं जाहिद भाई और मुझे हाँ और, और, और खाना चने की दाल है एंड कुछ और मैथ दाल गोश्त ले लेंगे जो भी ले लेंगे मुझे बहुत पसंद है लेकिन याद रखिएगा कि इनका खाना बड़ा कमाल होता है मार्फा का सर प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दीजिएगा क्या ये सर ये इसमें सॉसेजेज और चिकन पेपरोनी हाँ ओलि हाँ। और मशरूम हाँ। कार्ड के अंदर अंदर हैं इसके और इसको फिर फोल्ड करके ना वो कहते हैं ना सैंडविच बना के तो फिर किया गया बाकी सॉसेज मशरूम बाकी चीज़ें ब्राउन ब्रेड के साथ क्या बात है आप ना हो तो हमारे यहाँ नाश्ता कैसे हो बिल्कुल आई लव यू भूखा नहीं तो भूख अच्छा <laughs> जी आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे आप हमें जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये बनाया है थैंक यू सो वेरी मच वेरी क्विकली हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा तो मैं डॉक्टर वसीम के पास पहले जाता हूँ डॉक्टर साहब मुझे बताइए ये क्या चक्कर है हम वेट लूज करने के लिए शुगर की दवाएं जो डायबिटीज़ में देते हैं वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं देखे इंसान जो है ना वो जल्दबाज है मैं अक्सर एक, एक बात करता हूं कि हर मसले के लिए गोली है यही सब है यही सबसे बड़ा मसला है लोगों का जहन बन गया है कि शॉर्टकट जो है ना कोई एक टोटका होगा कोई ऐसी जादुई दवाई होगी जो मुझे दिनों में पतला कर देगी तो बड़ी कामयाबियां बड़ी देर के बाद मिलती हैं एक रात में सिर्फ चोरी होती है तो बाकी जितने भी अच्छी चीजें हैं ना उसके लिए मुशक्कत करनी पड़ती है अपने आप को बदलना पड़ता है अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप बिल्कुल एक सख्त फिक्र है लेकिन कह देता हूँ कि जो इंसान अपनी कदर नहीं करता अल्लाह भी उसकी कदर नहीं करता बिल्कुल ठीक डिसिप्लिन इज सेल्फ लव इन मोशन हाँ। कोई इंसान भी अगर कहता है ना कि वो खुद से मोहब्बत करता है तो देखें कि उसकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन है कितना ख्याल रखता हुँ। है हुँ। और वो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा खाने की टेबल पे नजर आना चाहिए कि क्या वो जहाँ पे हाथ रोकना है जिधर रोकना है वहां रोक सकता है तो ये जो हद से गुजरना है ना बल्कि हजरत वासिफ अली वासीफ रहा का एक बड़ा प्यारा जुमला है ये मैं रिपीट करता रहता हूँ कि जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहां आजाद नहीं होना जहां आजाद किया है वहां पाबंदी होना खाओ पियो हद से ना बढ़ो और हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया है अगर हम इसकी पाबंदी कर लेना तो हम ये जिन चीजों की जो गुलामी कर रहे हैं ना इनसे निकल आए तो लोगों का एक जहन बन चुका है अनफॉर्चुनेटली वो बस कोई जादुई एक मेडिसन मिल जाए कि हमें दिनों में रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको अल्लाह उसका रिवॉर्ड नहीं देगा

और बाकी खाने पीने में लो सोल्ड डाइट देखें जो मोडिफाइबल फैक्टर्स हैं ना जिसमें टोबैको यूज है फिजिकल इनएक्टिविटी है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है ठीक है या ओबिसिटी है वो तो हमारे हाथ में है ना हुँ. तो हम उन चीज़ों को तो कंट्रोल अपने कर सकते हैं ना हम डाइट और एक्सरसाइज के जरिए कर कंट्रोल करें कंट्रोल डायबिटीज के छोड़नी हाँ जी और फिर है तो साथ विदिसिन लाजमी लें जी मैं थोड़ी सी ना सख्त बात भी कर जाऊंगी क्योंकि ना हम ऐसे ए कॉम फॉलोअर्स हैं हम ट्रेंड सेटर्स नहीं हैं हम ज़्यादातर चीज़ों को फॉलो करते हैं इसी वजह से देखिए कि जितनी भी रिसर्च है वो बाहर से होके आ रही है दवा बाहर से होके आ रही है अब किसी के अंदर अच्छे इफेक्ट आए तो बगैर सोचे समझे बगैर किसी मशवरे के उस ट्रेंड को फॉलो करिए अब ये फ़ैशन है आपने तो एक नाम दिया मैं तो सौ नाम ऐसे ले सकती हूँ जो सिर्फ लोग फैशन के लिए कर रहे हैं और मैं जब उनसे पूछती हूँ आपके घर में ग्लूकोमीटर है आपके घर में बी पी एपेटस है आप ये एक दफ़ा सर्वे कीजिए आप देखेगा कि नाइन्टी परसेंट लोगों के घर में ये दोनों आलात मौजूद नहीं हैं लेकिन जब उनसे आप ये पूछेंगे कि क्या ये फैंसी दवा आपके घर में मौजूद है या कोई लगा रहा है तो आपको जवाब हाँ में मिलेगा डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम आपका बहुत शुक्रिया मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कभी आप लोग मेरे साथ मैं मेरा दिल चाहता है कभी पॉडकास्ट करूँ तो खुल के बैठे फिर हम बात करें हम फॉलोवर्स नहीं हैं हम एक्चुअली ट्रेंड सेटर्स हैं उसका मैं रीज़न बताता हूँ हर टीम में एक कप्तान होता है हमारी टीम में ग्यारह कप्तान होते हैं हमारी अपनी मसाजिद बिल्कुल अलग है डेढ़ इंच की मस्जिद हम तो अलग बना के खड़े होते हैं बिल्कुल हमारे मुल्क में मसले इसलिए नहीं हैं बिकॉज हम मसले हल नहीं कर सकते हमारे मुल्क में मसले इसलिए हैं क्योंकि हम मसले हल नहीं करना चाहते ये प्रोग्राम जो हमने किया कितने लोगों को याद रहेगा कितने लोग इस पर लाइक्स डालेंगे लेकिन यहाँ अगर मैं कोई और बात कर देता मेरा जूता कहीं उड़ के उधर चला जाता या मैं बेल्ट से उठा के यहां पीटने लगता या मैं कुछ और करने लगता एक घड़ी उठा के तोड़ देता फौरन वायरल होती लेकिन क्या इनमें से कोई इन्फो वायरल होगी नहीं होगी क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज वो नहीं है हम टिकटॉक को तो बड़ा फॉलो करते हैं टिकटॉक का जो ओरिजन है वो चाइना से है कभी वहां के टिकटॉक देखिए मैं करता रहता हूं बोलता रहता हूं बताता रहता हूं क्योंकि मैं भी नहीं रुकूंगा आप भी नहीं रुकेंगे फायदा मुझे नहीं लगता कि कभी होगा लेकिन हां बोलना जरूरी है ना मैं थकूंगा ना आप थकिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा हम दोनों को जिंदगी के किसी ना किसी मकाम पे आके फैसला करना पड़ेगा आज आपकी सेहत के हवाले से शो है जब तक आप नहीं बदलेंगे डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब की सौ बात दुरुस्त है आपको बदलना है सबसे पहले आपको बदलना है आज के शो से अगर सिर्फ यही बात ले जाए ना कि आप बदल जाएं आप अपनी सेहत के लिए खड़े हो जाए आप अपनी और सिर्फ जब आप खड़े हो जाएंगे तो आप अपने पूरे खानदान को खड़ा कर रहे हैं तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हो जाएंगी कल मिलेंगे तब तक के लिए आज एक हैक रह गई है कल बताऊंगा आपको कि आप उम्र के पांच साल के और वो वाकई होता है पांच साल छह साल कैसे चेहरे से खींच सकते हैं सिर्फ बीस मिनट में ट्वेंटी मिनट्स के अंदर मुझे कल मैं आपको बताऊंगा वाकई बताऊंगा आज नहीं तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा कल मिलते हैं तब तक के लिए खुदा हाफिज़